ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आज आईपीएल है? ओके ओके ओके, किस किस का मैच है? आरसीबी का और मुंबई इंडियन का? अच्छा, चलो पहले मैं आपका पूल करा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी टीम डिसाइड करूंगा। तो लेट मी से, ट्रू मतलब आरसीबी एंड फॉल्स मतलब मुंबई इंडियन, चलेगा? ट्रू मतलब आरसीबी, फॉल्स मतलब मुंबई इंडियन। ओके, तो मुझे लग नहीं रहा था कि आरसीबी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। काफी बराबर की वोटिंग यहाँ पे हो रही है। आरसीबी को सिर्फ लड़कियां पसंद करती हैं? अच्छा, ऐसा है। ओके, तो आरसीबी को मिला है 42% वोट और मुंबई इंडियन को मिला है 58% वोट। मैं हूं आज मुंबई इंडियन की तरफ। यस, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो आपने बताया मैच है, मुझे नहीं पता टॉस कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बट अभी मैं मुंबई इंडियन की तरफ हूँ। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होने से पहले तो शायद मैच नहीं होगा ना, मैच कंप्लीट नहीं होगा, बट बेटा बस अब टॉस देख लिया, अब मत देखना, है ना? चलो, कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के लिए। अच्छा बताओ, आज सुबह क्या किया आप लोगों ने? किस टाइम उठे थे? 7 बजे उठ गए थे? 6:30? अरे नहीं यार, 6 बजे उठ गए, 5 बजे सोए थे। ये है ना लड़का काम का, कह रहा पिक्चर विक्चर देख के चिल करके, यूट्यूब पे दिमाग खराब करके, इंस्टाग्राम, जब फोन मुंह पे गिर जाता ना इतनी नींद आती, तब सोया ये 5 बजे, टेंशन ही खत्म। ऐसा हुआ है ना आपके साथ रात में स्क्रॉल करते करते? ऐसा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये कल होमवर्क में मैंने दिया था। अगेन फर्स्ट हाफ में पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्राई करना है, दो एक क्लास काइंड ऑफ हम लेट हो गए हैं। जरा ये क्वेश्चंस के कुछ डिस्कशन कंप्लीट करूं तब मैं आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन की बात है। हाँ भाई, तो आज आप ट्रू और फॉल्स के चक्कर में मत रहना, सही और गलत के। आज मैं कुछ मछलियां पकड़ने के जुगाड़ में हूँ, ठीक है? आई वॉन्ट टू कैच सम फिश, सो लेट्स सी। एक्सक्यूज मी, कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे अदरवाइज पता नहीं लगता ना। ठीक है, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन देख के आगे बढ़ना चालू करता हूँ। ओके, okay. 24% वोट मिले ऑप्शन ए को, 8%, 5% एंड 64%। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। लेट एम एन एंड बी टू एंटिटी सेट इन एन ईआर डायग्राम। तो एक तरफ बना लेते हैं एम, एक तरफ बना लेते हैं एन विद अ सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, एंड देयर आर टू रिलेशनशिप बिटवीन वन एम एंड एन, इज इट पॉसिबल? क्या दो एंटिटी सेट के बीच में एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं गया था, इजंट इट?
सो एक का नाम है R1, एक का नाम है R2, और R1 कह रहा है वन टू मैनी, और R2 जो है वो है मैनी टू मैनी। और एट्रीब्यूट्स के बारे में उसने क्लियर कट बोल दिया कि सब सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, यानी कि बता रहा है क्या किसी भी एट्रीब्यूट के लिए आपको सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, जब क्वेश्चन है कि कितने टेबल बनाने पड़ेंगे, डू वी अंडरस्टैंड कि फॉर एवरी एंटिटी सेट वी रिक्वायर अ टेबल, इसमें तो कोई चॉइस है नहीं। सो एक टेबल इधर और एक टेबल इधर, ये दो टेबल तो हो गए पक्के, है ना। अब मैं बात करता हूं रिलेशनशिप की, क्या R1 के लिए, गौर करके बताइएगा, R1 के लिए क्या टेबल बनाना मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल इसी पॉइंट पे लास्ट का पूरा डिस्कशन हमने किया था, इसको टेबल मॉडिफिकेशन से हैंडल किया जा सकता है। वो भी कैसे करेंगे, हम वन साइड का प्राइमरी की लेंगे एंड पुट इट एज अ फॉरेन की इन मेनी साइड। फॉलो कर पा रहे क्या? विल पिक द प्राइमरी की ऑफ वन साइड एंड पुट इट एज अ फॉरेन की ऑन मेनी साइड, यानी कि एम का प्राइमरी की एन में रख देंगे, इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, रही बात एम और एन की, इसके लिए जरूर आपको एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर कट पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, तो यहां पर सही आंसर होता है डी, है ना। नाउ यू कैन से यस, वो डेड और चाइल्ड वाला एग्जांपल हमने देखा था, और 24% लोगों ने बोला आंसर ए। तो आप देखो, आप कैसे कहां गलत सोच रहे हो। आपको इस बात को याद रखना है कि यू नो फॉर वन टू मैनी यू डोंट रिक्वायर अ सेपरेट टेबल। रही बात सिक्स और सेवन वालों की, इनसे मुझे नहीं लगता आप लोग सही चल रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 6 और 7 टेबल कह रहे हैं, इतने तो टोटल कंपोनेंट भी नहीं थे यार डायग्राम में, मुझे लगता है इन्होंने एट्रीब्यूट्स के भी टेबल बना दिए। खैर, ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, गेट 2015, दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। हालांकि अभी इसमें लास्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अभी हमने पूरा पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, बट ये आपको आंसर करना है अभी की अंडरस्टैंडिंग पे। नॉर्मल फॉर्म वाला आइडिया छोड़ दीजिएगा, कन्वर्जन के बेस पे आंसर करना है टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। इन द मीनवाइल मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ लेता हूँ। बोल रहा है, कंसीडर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन विच एंटिटी सेट E1 एंड E2 आर कनेक्टेड। ओके, लेट मी स्टार्ट ड्रॉइंग इट। एक एंटिटी सेट है E1, एक एंटिटी सेट है E2, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसका नाम भी इसने रखा है, दोनों का नाम लेके R12। अगेन लेट मी मार्क इट्स मैनी टू मैनी। एक और एंटिटी सेट है E3, और साथ में बोल रहा है E1 एंड E3 आर कनेक्टेड विद अ रिलेशनशिप नेम एज R13, एंड वट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट इज, अगेन इट इज 1 to n। यस, नाउ 1 on E1 side, n on this, 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 this. Now, आगे देखिए, सिर्फ 53% लोगों ने, 57% लोगों ने बोला सी, एंड देन 4 भारी भरकम वोट यहाँ पे ऑप्शन बी को भी मिले हैं, एंड लाइक दिस। ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे देखिएगा। यहाँ से E1 has two single valued attribute A11 and A12, so there are two attributes, इस बार थोड़ी डिटेलिंग की है, और यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि A11 is the key attribute, so let me make it key. Now, आगे बढ़ता हूँ, E2 has also two single valued attribute, that is A21 and A22, और यहाँ पर बोल रहा है शायद A22 is the key attribute, yes? E3 has two single valued attribute, that is A31 and A32, जहां पर बोल रहा है that A31 is the key attribute. Now, the relationship do not have any attributes. Clear cut mention कर रहा है कि relationship के पास अपने कोई attribute नहीं है. If the relation is derived from the above ER diagram, then the minimum number of relation that would generate if all the relation is in third normal form. तो जैसे मैं आपसे बोल रहा था, नॉर्मल फॉर्म वाली बात अगर अभी आप छोड़ भी दो, हाउ मेनी एंटिटी सेट्स आर देयर, प्लीज टेल मी हाउ मेनी एंटिटी सेट्स आर देयर। सर आप जितना टाइम देखिए, यहां पर मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बट वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने के लिए दिया। ये क्वेश्चन होमवर्क में आपने सॉल्व किया,
ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में सॉल्व करके आए हैं ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, है ना। अगर मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ तो आई गिव 2-3 मिनट्स। ओके, तो अगेन अगर मैं एक बार यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, डू यू अंडरस्टैंड कि E1 के अंदर कौन कौन आएगा, A11 एंड A12। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि एट्रीब्यूट दिया मैं जा सकता हूँ। एक टेबल ये बना, दूसरा टेबल देखिए E2 का, हियर आई हैव A11, माफ कीजिएगा A21 एंड A22 देयर, दिस इज द की। एक टेबल इधर बना, उसके बाद एक टेबल बना E3 का, देयर यू हैव A31 एंड A32, नाउ दिस इज अ न्यू टेबल। तीन तो ऑलरेडी बन गए। अब रिलेशनशिप, आप मुझे बताओ क्या 1-2 रिलेशनशिप के लिए टेबल बनेगा? इट्स अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर डिग्री बाइनरी है और कॉर्डिनेलिटी मेनी टू मेनी है तो आपको सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, बनाते कैसे हैं अब ये बता देता हूं। तो व्हाट यू डू, यू टेक प्राइमरी की ऑफ बोथ साइड्स, यू टेक प्राइमरी की ऑफ बोथ साइड्स एंड डिक्लेयर देयर कॉम्बिनेशन, डिक्लेयर देयर कॉम्बिनेशन एज अ की। सो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट R12। फॉलो कर पा रहे हैं? दैट इज हाउ यू कन्वर्ट R12। ओके, नाउ अब आ जाते हैं R13 के ऊपर। तो आप मुझे बताओ इसके लिए सेपरेट टेबल बनाना मैंडेटरी है या मॉडिफिकेशन से काम हो सकता है? मॉडिफिकेशन से काम हो सकता है। कैसे? वी टेक प्राइमरी की ऑफ वन साइड एंड पुट इट एज अ फॉरेन की ऑन मेनी साइड। सो नाउ यू कैन, यू नो, यू कैन डील विद दिस। सो लेट मी मॉडिफाई दिस टेबल, एंड बाय मॉडिफाइंग व्हाट आई विल डू, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग से दिखे E1 का, यानी कि A11 यहां पे एज अ फॉरेन की प्रेजेंट रहेगा। देखिए जरा फॉलो कर पा रहे हैं क्या? प्राइमरी की ऑफ वन साइड पुट इट एज अ फॉरेन की ऑन मेनी साइड। एक बात गौर करिएगा, क्या E3 के की में कोई चेंज होगा? नहीं, वो बिल्कुल सेम रहेगा और कोई लेना देना नहीं है। बस इसका प्राइमरी की इधर एज अ फॉरेन की आपको नजर आने वाला, एंड दैट विल बी ऑल। सो ओवरऑल नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसमें 4 से कम तो हो ही नहीं सकता, isn't it? I can't figure it out ki how. कुछ लोगों ने तो क्या बात कर रहे हो, कुछ लोगों ने 2 टेबल में सेटल कर दिया मामला। अबे 3 तो एंटिटी सेट थे भाई, there were 3 एंटिटी सेट्स रिलेशनशिप में। मान लीजिए आप कंफ्यूज भी हो गए हो, ये कैसा अपराध किया आपने? खैर, अच्छा रही बात थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, तो अभी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। हालांकि अगर बाद में आप नॉर्मलाइजेशन सीख भी जाओगे देन भी, तब भी आप रियलाइज करोगे कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द स्कीमा इज ऑलरेडी इन BCNF, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द स्कीमा इज ऑलरेडी इन BCNF, तो द नंबर ऑफ टेबल्स वो चेंज नहीं होगा। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके, ग्रेट। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? इतना लेंदी डिस्क्रिप्शन दिया। अब देखो, जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, एग्जाम में टेबल नहीं बनाते, जानबूझ के लेंदी डिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि यू नो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो। कोई बात नहीं, ये देखिए गेट टू दिसंबर नेट 2015, जरा इसको ऑब्जर्व करिए, मेरे को बताइए सही आंसर क्या है। जैसे मैंने बोला है, आप आंसर की टेंशन मत लेना, बिकॉज आज मेरी इंटेंशन कुछ और है। ओके, रूहानी आज आपका बर्थडे है क्या? अच्छा, नाउ यू सी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया है। ठीक है, मेरे पास नाम भी आ गया है यार, सुशासन कुमार, नीतीश कुमार, आपने भी गड़बड़ आंसर किया है। आपको तो कल इतने सारे डाउट्स में सॉल्व कर रहा था। ओके, देखिए जरा क्या बोल रहा है। E1, E2
कलर डार्क कर लेता हूं. E1 इज अ एंटिटी सेट, E2 इज अ एंटिटी सेट और सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. R1 R2 इज अ रिलेशनशिप एंड R1 इज वन टू मेनी एंड R2 इज मेनी टू मेनी. अच्छा, इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन्होंने गेट वाला क्वेश्चन छाप दिया दोबारा. आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, वही क्वेश्चन में थोड़ा बस मिर्च मसाला क्या लगाया, कम कर दिया थोड़ा. सो दैट इज वन टू मैनी एंड दैट इज मैनी टू मैनी. R1 R2 do not have any attribute of their own. The minimum number of tables that are required to represent the situation in this schema. 1, 2, 3, 4. Follow कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, I'm sorry. मैंने आगे को कहानी पढ़ी नहीं क्योंकि मुझे लगा वो गेट वाला इसने इसको इससे ही रिलेट किया है ना. I'm sorry. E3 तो है नहीं, दो ही है. तो कितना होगा? 1, 2 और 3. तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या हुआ? बी हुआ, है ना. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, इतने सारे केसेस, इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर कोई इस क्वेश्चन में गलत टेबल कैलकुलेट कर रहा है, मेरे ख्याल से चौथा पांचवा क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे, कोई नई बात नहीं थी. यस, अगर इस पे कोई गलत क्वेश्चन गलत कैलकुलेशन कर रहा है तो उसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है? आप मेरी मदद करोगे, मुझे फीडबैक दोगे, क्या कर सकते हैं? बेसिक्स क्लियर नहीं होगा इसमें, मुझे तो कोई दोबारा से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो क्लियर है ना. बिकॉज अब मेरी समझ से बाहर है कि दोबारा यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहे हैं. तो भाई आप लोग रिकॉर्डिंग देखो अगर आप सीरियस हो तो, है ना. अगर सीरियस है तो रिकॉर्डिंग देखो, अगर बीच से ज्वाइन किया तो पुराना देखो, और अगर सच में सारा देखते आ रहे हो तो उस पर दोबारा से काम करो. बिकॉज पॉइंट इज कि आप टाइम तो लगा ही रहे हो इजंट इट, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है. तो बाद में फिर क्वालिफाई ना हो या इस तरह का कोई सिनेरियो, तो उस बात से फायदा क्या है? पूरा साल लगाने के बाद समझ आए भाई, अगर करना है तो करना चाह रहे हो तो ही करो, वरना फिर क्यों टाइम वेस्ट करना. ओके कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए. लुक एट दिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. गेट 2012 साधारण सा 1 मार्क स्टेटमेंट है, जरा इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या आंसर होगा. अब देखिए जैसे जैसे मानिक चौधरी साहब हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते पूछ रहे हैं, अगर 1-to-1 रिलेशन होगा तो अलग से टेबल बनाने की जरूरत है, या मुझे पूछ रहे कि बता रहे हैं. मानिक, अगर 1-to-1 रिलेशनशिप है, अलग से टेबल बनाने की जरूरत है, या आप मुझे पूछ रहे कि बना रहे, पूछ रहे हैं. अब बताओ बताओ मैं क्या जवाब दूं इनको, या इस प्रॉब्लम को अगर मैं आंसर कर भी दूं तो क्या आपको लगता है कि यू नो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं. सोचो अपन बाइनरी पे 1-to-n या n-to-1 को हैंडल कर रहे हैं, और कल मैंने तीनों केसेस प्रॉपरली बताए हैं. आप रिवीजन करो भाई, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है. चलिए जरा एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है. गिवन अ बेसिक ईआर डायग्राम, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. An entity, attribute of an entity can have more than one value. क्या किसी attribute का एक से ज्यादा value हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है. And that is called a multi-valued attribute. I don't know क्यों किसी ने इसको false बोला है. हो सकता है. An attribute of an entity can be composite. Yes, composite और simple दो type के attributes हमने पढ़े हैं. In a रो इन अ रिलेशनल टेबल द टेबल कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. नहीं, यहां तक नहीं आने दूंगा, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि भले ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहा भी हो, क्या उसके लिए आपने सेपरेट टेबल बना लिया होगा?
ये ध्यान रखिएगा, अगर एक यस एटॉमिक, वेरी गुड वेरी गुड, अगर एक वैलिड रिलेशनल टेबल है विच इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, तो किसी भी सेल के अंदर एक ही वैल्यू मिल सकता है मैक्सिमम, नल हो सकता है बट एक से ज्यादा नहीं होगा, याद रखेंगे इस बात को। यस लास्ट, इन अ रो इन अ रिलेशनल टेबल द एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और ए नल वैल्यू। अच्छा वही मैं बोल रहा था जिसने भी बोला है, सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। यस अगेन दिस क्वेश्चन डिजर्व्स मच मोर। क्या ये सारे के सारे सिंपल है मुझे बताएं, जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, होमवर्क करके आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ईआर डायग्राम के बारे में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसा टॉपिक है ये? क्या बड़े बड़े भारी भरकम ईआर डायग्राम देख के आपको डरना है? नहीं। क्या आपको यू नो एक्चुअल में ईआर डायग्राम कन्वर्ट करना है? नहीं। बहुत साधारण से एजेंडा बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे लगता है पूरा टॉपिक 2-2.5 घंटे का है नहीं, वो तो लाइव क्लासेस ज्यादा समय लगता है। 1-1.5 घंटा में आप पूरा का पूरा बात समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, खत्म है इसमें। और आएगा तो आप सही करके आएंगे ये भी तय है, ऐसा नहीं कि कुछ अगली बार पता नहीं क्या पूछ लेगा। गिनती के आइडिया है। यस 2005 टू मार्क क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ स्कोरिंग है, स्कोरिंग तो है पर आप पॉजिटिव स्कोर करोगे नेगेटिव, इसका मुझे टेंशन है। स्कोरिंग तो है मैं मान रहा हूं बट आप पॉजिटिव करोगे नेगेटिव करोगे इसका मेरे को टेंशन है। सर मतलब हम मान के चलेंगे कि अलग टेबल बना ली होगी मल्टी वैल्यूड की। अबे मान के नहीं चलेंगे, ये बताया है सब, क्यों इसमें कंफ्यूजन का क्या स्कोप रह गया? अगर ये बात मैं अभी दोबारा नहीं बोलता तो क्या मैं बाद में बताने वाला था क्या? नहीं। एवरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विल हैव अ सेपरेट टेबल। इसमें तो पूरा 2-3 वेरिएशन अलग अलग करके दिखाए आपको। नहीं भाई, एफर्ट में कमी है, कंसेंट्रेशन में कमी, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अच्छा दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिपीटेड क्वेश्चन। आई थिंक ये वो क्वेश्चन है जो नेट में 2015 में इन्होंने पूछा है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो बहुत साधारण सी बात इसने की। ये देखिए जरा, इस पे एक लंबी चर्चा हमारी हुई थी ना, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, इस टाइप का कुछ आइडिया हो सकता है। गेट 2005, अगेन इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया। कंसीडर द एंटिटीज होटल रूम एंड पर्सन विद मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है भी, ये भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि होटल रूम एक अलग एंटिटी सेट है, पर्सन अलग है। कौन सा पर्सन किस होटल रूम में गया, उससे लॉजिंग, फिर बिल है, ड्यूरेशन है, वो सारी चीजें एसोसिएट होंगी। इफ यू विश टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंट पेमेंट टू बी मेड बाय अ पर्सन, रेंट पेमेंट एक कोई एट्रीब्यूट ये बनाना चाहते हैं। Occupying different hotel room, then the information would appear as attribute of. कह रहा है वो information किधर आनी चाहिए? Should it be of hotel room? Should it be of person? Or should it belong to lodging? So obviously, don't you understand? इस पे हम already बात कर चुके हैं। Best idea होगा कि अगर आप इसको relationship के साथ associate करो, और क्या ऐसा करना valid है, इसमें कोई problem है? जी नहीं। जिस तरह से entity set के attributes हो सकते हैं, उस तरह रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या बोल रहे थे, क्या नाम था इस तरह के एट्रीब्यूट का, याद है किसी को? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। ओके, हालांकि गेट में शायद ही कभी कोई नाम पूछे इसका आपसे। ओके लुक एट दिस गेट 2004, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करके आए हैं, अगर कोई पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहा है तो। इसका सारा थ्योरी, सारा आइडिया, फिलोसफी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। यस,
इसमें भी बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है, बट आप नॉर्मलाइजेशन की बात छोड़ के अपने हिसाब से आंसर कर दीजिए। हाँ चंदन जी, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, एआर डायग्राम इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, तो जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो आपको स्टार्टिंग से शुरू आएगा। और आपको करना क्या है कि बाकी जो ये है इसका होमवर्क आपको करना है, इसका रिकॉर्डिंग देखना है, जो क्लासेस आपकी कुछ मिस हो गई हैं। ओके, तो देखिए यहां पर क्योंकि पुराना क्वेश्चन है 2004 का, तो डायग्राम भी बना के दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, टू एंटिटीज ई1 ई2 कॉर्डिनेट आपको बताया है। वेयर द एट्रीब्यूट्स, अच्छा एट्रीब्यूट की कहानी है बता दी इसने। इधर क्या है A11, हियर यू हैव A12, अच्छा एक और लगा है A13, और क्लियर कट बताया A11 इज द की एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट ई2 इज आर। ओके इधर भी तीन एट्रीब्यूट है, दैट इज A21 एंड A22 एंड A23, वेयर A21 इज द की एट्रीब्यूट एंड A23, नाउ दैट इज अ ट्विस्ट, इट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, देयर यू सी A23 इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नाउ द रिलेशन R डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, तो रिलेशनशिप के पास कुछ नहीं है। द रिलेशनल डेटाबेस कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स इन विच दिस 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 थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो जैसा मैंने आपको बोला अभी क्या नॉर्मल फॉर्म हमने डिस्कस किया है नहीं, तो वो आइडिया अभी हमारे पास नहीं है। बट जितनी अंडरस्टैंडिंग ईआर डायग्राम से, अगर मैं आपसे पूछूं कितना टेबल बनाओगे भाई यहां, तो क्योंकि डिटेल है तो मैं एक एक करके बात करता हूँ। ओके सबसे पहले मुझे बताओ क्या ई1 के लिए टेबल बनाना होगा या नहीं होगा, ये सवाल अपने दिमाग में आना चाहिए। फॉर एवरी एंटिटी सेट वी हैव अ सेपरेट टेबल, सो ई1 विल हैव अ टेबल। सिमिलरली क्या ई2 के पास भी अपना टेबल है? जी हाँ, सो अगेन दीज थ्री एट्रीब्यूट्स विल कम हियर। स्टेप नंबर वन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक एक करके इसको एक्सपेंड करता हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट A23 इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यस और नो? यस। क्या हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम सेपरेट टेबल बनाते हैं? डू यू रिमेंबर दैट? यस। सो कैन आई से, ऐसा करके बना रहा हूँ सो दैट क्लैरिटी आपको रहे, A21 एंड A22 इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एंड हियर लेट मी से इसका नाम क्या रखूँ, ई ए रख लेता हूँ, ई टू ए रख लेता हूँ या E2A3 रख लेता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका प्राइमरी की है वो आएगा और जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो आएगा, और मिलके दोनों की बनाएंगे। जो आपका प्राइमरी की है वो आएगा एज अ फॉरेन की, और जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो आएगा, और दोनों मिलकर फॉरेन की बनाए, दोनों मिलकर कैंडिडेट की बनाएंगे या की बनाएंगे। अभी की हमने डिस्कशन नहीं किया तो जस्ट की बोल देता हूँ, है ना? लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, आखिरी काम है किसको हैंडल करने का है, रिलेशनशिप को। नाउ रिलेशनशिप इज वन टू मैनी, तो अगेन आप मेरे को बताओ क्या मॉडिफिकेशन से काम चल जाएगा या न्यू टेबल बनाना पड़ेगा? सो आई थिंक मॉडिफिकेशन इज गुड आइडिया, तो किस साइड को मॉडिफाई करते हैं? हमेशा मैनी साइड को करते हैं, तो कैन आई टेक द प्राइमरी की ऑफ वन साइड इज फॉरेन की हियर? यस। सो फाइनली यू कैन सी देर आर थ्री टेबल्स, Finally, you can see there are three tables, और ये उन तीनों टेबल का स्ट्रक्चर होगा। अब कितने लोग हैं जो ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शायद पहला केस हमें मिला जहां पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी था, तो हमें पता है एंटिटी सेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, और जहां पर भी हमको मिलता है व्हाट, जहां पर भी हमको मिलता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं। E2 का समझ नहीं आया, यश क्या नहीं समझ आया बताओ, E2 में क्या नहीं समझे आप? फॉरेन की वाले आइडिया में कंफ्यूजन है या मल्टी वैल्यूड आइडिया में कंफ्यूजन है? दो मॉडिफिकेशंस या दो हैंडलिंग हमने की है E2 पे, मल्टी वैल्यूड में। अच्छा
लुक एट दिस, क्या कल ये एग्जाम्पल कल या परसों में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं आपके साथ, मुझे बताओ, है ना? और कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें ये बात समझ आई होगी जो पढ़ के भी आए होंगे, तो ऑलरेडी विद एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड दिस आइडिया दैट वेन एवर देयर इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट व्हाट डू यू डू, मल्टी वैल्यूड के अलावा जो टेबल बचेगा उसको सेपरेटली हमने रख लिया, ऑब्वियसली कस्टमर आईडी यहां की रहा होगा तो ये सेपरेट मेरे को नजर आ रहा है, और उसके बाद कस्टमर आईडी और टेलीफोन नंबर जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था उन, अभी देखो यहाँ पे दोनों अंडरलाइन है, दोनों मिलकर यहाँ पे की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था क्लास में? यस, तो आप मुझे बताओ यहां पर मैंने कौन सा नया काम कर दिया भाई, ये जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर मैंने कोई रूल कोई आइडिया चेंज किया क्या? यार ये गायब कहाँ हो गया, एक मिनट रुकिएगा। हाँ लुक एट दिस, मैंने कोई नया काम किया है? यस, तो अगेन यहां पर भी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, जस्ट मैंने उसके लिए सेपरेट टेबल बनाया है ना? तो अब अगेन एक बात समझिएगा अनिर्बान, आपको पता है क्या कि आप हो? अनिर्बान आपको पता है क्या कि आप हो? अच्छा पता है, तो मेरी क्लास में मत फैलाओ प्लीज, अगर पता भी है लाइसेंस भी बनवाया होगा कहीं से, मेरी क्लास में मत फैलाओ, है ना? अब पहले जो समझा रहा हूं पहले उसे समझो, तो इस बात को पहले आप ऑब्जर्व करिए, डू यू नाउ, जो कौन पूछ रहा था भाई किसको प्रॉब्लम था मल्टी वैल्यूड में, नाउ यू अंडरस्टैंड कि 823 मल्टी वैल्यूड था, उसको अपन अलग कर लेंगे और ये मिला के की बनाएंगे, फिर भी ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया गया था और ये आइडिया में पहले बता चुका हूं, तो अगेन जिसको इस क्वेश्चन में फिलहाल दोबारा डाउट आया हो कंफ्यूजन रहा हो, मैं ऐसा बोलूंगा पूरे विश्वास से कि मेरे हिसाब से आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? तो प्लीज प्लीज ट्राई टू हैव अ इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योरसेल्फ कि आप यहाँ पे क्या हो और क्यों कर रहे हो ऐसा। ओके, रही बात फॉरेन की, तो जहां तक फॉरेन की बात है इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता मैंने फॉरेन की में ऐसी कोई भी नई बात की है जो इससे पहले 5-6 क्वेश्चन में मैंने ना की हो, सेम आइडिया है भाई, रिलेशनशिप है, वन टू मेनी है, सेम नियम मैंने यहाँ लगाया, क्यों लगाया विद एग्जांपल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैंने क्या किया, मैंने वन साइड के प्राइमरी की को एम साइड में जब फॉरेन की रख दिया, इसमें मैंने कोई भी नया काम नहीं किया। यस, थोड़े लोगों कंफ्यूजन है सब बोल रहे, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिन लोगों को कंफ्यूजन है मैं क्या बोलूं, मेरे हिसाब से वो पढ़ नहीं रहे तो उसका मेरे पास कोई इलाज थोड़ी है भाई, अगर पैसा देके इंजेक्शन से किसी खोपड़ी में बात घुसा दी जाती तो अंबानी और ये जितने बड़े लोग हैं सबके बच्चे पढ़ लिए होते, मैं मेरे पास समाधान नहीं इस दवाई का, इस बीमारी की दवाई मेरे पास नहीं है। यस, ओके, सो जो लोग फॉलो कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, जो भी कह रहे हैं कंफ्यूजन है, अगर आपने अभी देखना शुरू किया तो कंफ्यूजन जेन्युइन है, पुराने रिकॉर्डिंग्स देखिए, अगर ये सारे डिस्कशन के बाद भी अभी भी आपको समस्या है तो या तो रिकॉर्डिंग देखिए, नहीं तो मैं नहीं बता सकता, मेरे में इससे ज्यादा दिमाग नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यस, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करके चल रहा हूं, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ जहां तक कन्वर्जन की बात है ना, अगर मैं एक बार इस बात को जरा जनरलाइज कर दूं, आप दोबारा एक रिपीटेशन मुझे करना चाहिए, ये बात 100% ट्रू है, जब भी आप ER डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, नहीं ये पॉलिसी जो है ये भी मैंने एक दो दिन से ही आप लोग देख रहे होंगे, मैंने समझा है कि हो ये रहा है शायद कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि 20-30% ऑफ द टाइम क्लास में बेफजूल के डिस्कशन होते हैं। अच्छा, जिसको नहीं करना उसको ब्रह्मा नहीं सिखा सकता, मैं क्या सिखा दूंगा? अगर साधारण सी बातें एक क्लास में 10-20 बार बताई जा चुकी हैं और उसके बाद आप पूछे जा रहे हैं डाउट है डाउट है डाउट है, तो भैया मेरे पास दवाई नहीं इस बीमारी की, है ना? फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार पोल और कर लेता हूँ आप लोगों का लाइव फीडबैक लेने के लिए, क्या आपको मुझे लगता है इस तरह की प्रॉब्लम को और एंटरटेन मुझे करना चाहिए, यस, या मुझे आपको एडवाइस करना चाहिए कि आप आई से नो और आप भाई इस पे होमवर्क करो, रिविजन करो,
सारी बात बताई गई है, दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा। आप जैसा बोलोगे मैं दोनों तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों का भारी नुकसान यहाँ हो रहा है, क्लास हमारी डिले चलती है इसी वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। लगभग 12-13% लोग बोल रहे हैं कि नहीं और एफर्ट करना चाहिए। 87% बोल रहे हैं, 12% वही है 13%, क्योंकि अगर यहां मैंने यस की जगह लॉग इन भी लिख दिया होता ना तब भी 13% तो वोट मिल गए होते, आप जानते ही हो, इजंट इट? इंस्टेड ऑफ राइटिंग यस, अगर मैंने लॉग इन भी लिखा होता तो आधी इतनी वोट तब भी मिल गए होते। चलिए, तो हाँ, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ईआर डायग्राम को जब रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं क्या है, मैं कई बैच पढ़ा चुका हूँ, मैं कहानी जानता हूँ, और कुछ एजुकेटर लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बट मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो किसी भी स्टूडेंट को थ्रू आउट जर्नी में देख रहा होता हूँ, है ना। और एज अ मेंटर मेरा काम क्या है, एज अ मेंटर मेरा काम ये बताना है कि अगर डायरेक्शन कहीं गलत जा रही है तो कैसे उसको सही करना है, ये मेरा काम है ना। और ऑब्वियसली आप सबको मुझे एक सक्सेसफुल मिशन की तरफ लेके चलना है, तो मुझे कहीं पे कुछ इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी आप बात समझिएगा, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ जो अभी भी क्वेश्चन नहीं रिजोल्व कर पा रहे हैं, यू आर गोइंग समवेयर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। या तो आपके एफर्ट में कमी है, या हो सकता है, मुझे नहीं पता, या आप सारी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ग्रुप स्टडी करिए, एक दो दोस्त को पकड़िए, उससे डिस्कशन करिए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं समझ आया। और 80-90% ऑफ दैट प्रॉब्लम क्या है कि बस आप प्रॉब्लम देख रहे हो, तो जैसा मैं बोलता हूँ ना सर फॉरेन की में कंफ्यूजन है, ये फॉरेन की बात नहीं समझ आई बेटा, जो परसों तुझे पढ़ाया था, जो कल तुझे पढ़ाया था, क्लास के बाद तूने टेबल बनाया के देखा सच में क्या? फादर सर का एक एग्जाम्पल सर ने किया था, क्या एक आध एग्जाम्पल तूने अपने मन से बनाने की कोशिश की, उल्टा कन्वर्जन करने का कुछ अटेम्प्ट किया, है ना? तो जवाब आपको पता है, अगर इतनी कोई कोशिश कर ले तो फिर होगा नहीं। और बिना कोशिश के यहां सिर्फ बोलते रहना डाउट है डाउट है डाउट है, तो आपको क्या लग रहा है ये डाउट अभी सॉल्व होगा? गेट तक याद रहेगा क्या? गेट तक कुछ नहीं याद रहना आपको, ये तो बाद में रिवीजन करना ही अपने को है। बट द पॉइंट इज, जो बात समझ लोगे वो शायद थोड़ी याद रह जाए, जो रटोगे वो तो रहनी नहीं है, है ना। आप सोचिए इतने सारे कन्वर्जन एग्जाम्पल के बाद अगर आप मुझसे कोई पूछ रहा है 1-to-1 के लिए टेबल बनाने का कि नहीं बनाने का, अगर मैं इसका जवाब दे भी दूं तो इस बात से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। आपको क्या लगता है एग्जाम तक इसे फिर याद रह जाएगा? ये तो रटंत विद्या वाली कहानी है, समझ तो इसे कुछ आया नहीं, तो इसे नहीं याद रहना एग्जाम तक, है ना। तो भाई एक बार आप देखो, बिकॉज अभी क्या, अभी तैयारी का स्टार्टिंग, अभी अप्रैल, अभी है अप्रैल, तो या तो आप अपनी डायरेक्शन सही करो, वरना 100% आपको पता है ना कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कितने बच्चे एग्जैक्ट कुछ ऐसा करते हैं जो अच्छा करेंगे। ये बहुत टफ पेपर है। कोटा फैक्ट्री में वो बोलता है ना डायलॉग, 90% बच्चे जो फीस भरते हैं 90% वो इसलिए भरते हैं ताकि बाकी 10% को फैसिलिटी दी जा सके। दैट इज द रियल ट्रुथ। आप में से 90% बच्चे जो फीस भर रहे हैं वो इसलिए भर रहे हैं कि उस फीस से अनअकैडमी जो इंजीनियर्स हायर कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो एजुकेटर लेके आ रहा है, वो बच्चे वो 10% को पढ़ा सके। तब आप ये सोच लो आप किस में रहना चाहते हो। चलो अब देखो, अगर मैं कन्वर्जन आपसे पूछता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मुझे बताओ स्टेप नंबर 1, जब भी कन्वर्जन की बात आए आपको क्या सोचना चाहिए? क्या हर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के लिए, अभी मैं एंटिटी सेट ही बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं कर रहा, क्या हर एंटिटी सेट के लिए टेबल चाहिए, यस और नो? चाहिए ना? ओके ओके, सो एवरी एंटिटी सेट विल हैव अ सेपरेट टेबल, सो 1 टेबल फॉर एवरी एंटिटी सेट। इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो मुझे नहीं पता, बट नहीं होना चाहिए, हमने वहां समझा भी है, रेक्टेंगल है तो टेबल है, लाइक दिस। स्टेप नंबर 2, नाउ लेट मी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। यस, अच्छा ये पहले चलो एट्रीब्यूट की बात बात करूंगा, पहले रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ। तो अब एक बात समझना, रिलेशनशिप जो है
उसको हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, डिग्री वन हो सकता है, डिग्री टू हो सकता है, डिग्री थ्री हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। मैं अभी मैपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, है ना? ओके, तो एक बात ध्यान रखिए, इसके अंदर अगर डिग्री वन है, डू यू नीड अ सेपरेट टेबल? डिग्री वन है, यूनरी रिलेशनशिप है, डू यू नीड अ सेपरेट टेबल? आंसर इज नो, आंसर इज नो। डिग्री टू के अंदर हमने चारों अलग अलग केस पढ़े हैं, वन टू वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। डू यू रिमेंबर दैट? यस। नाउ अगेन, इन द फर्स्ट थ्री केसेस आंसर इज नो। डू यू नीड अ सेपरेट टेबल? नो। नाउ इफ यू डोंट नीड अ सेपरेट टेबल, हाउ यू हैंडल? मैं दोबारा बोलता हूं, अगर वन टू वन मैपिंग है तो क्या किसी भी साइड को मॉडिफाई कर सकते हैं? इफ इट इज अ वन टू वन मैपिंग, यू कैन मॉडिफाई एनी साइड, किसी भी साइड का प्राइमरी की लो, दूसरे साइड में से फॉरेन की रख दो। हाँ, एक इसमें एडिशन किया जा सकता है, क्या? कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना? अगर टोटल पार्टिसिपेशन उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन अगेन फिर आप समझो, अगर आप, एक सवाल हो सकता है सर, दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन है क्या करें? फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी करो। दोनों साइड पार्शियल है क्या करें? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को करो। हाँ, अगर वन टू वन है और एक साइड टोटल और एक साइड पार्शियल है तो क्या करना? अगर वन टू वन है और एक साइड टोटल एक साइड पार्शियल है तो टोटल वाले को कन्वर्ट कर, टोटल वाले में मॉडिफाई करना। अच्छा, जहां तक वन टू एन या एन टू वन की बात है, क्या इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास है? ये ऑलरेडी हम जानते हैं किस साइड को मॉडिफाई करते हैं, विद एग्जाम्पल आपको समझाया कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। वेरी गुड, यू टेक द प्राइमरी की ऑफ वन साइड एंड पुट इट एज अ फॉरेन की इन मेनी साइड। वन साइड का की लेने का है और एन साइड में एज अ फॉरेन की रख देना है, दैट इज इट, नो सेपरेट टेबल इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट मेनी टू मेनी? डू वी रिक्वायर अ सेपरेट टेबल मेनी टू मेनी? यस, वी रिक्वायर अ सेपरेट टेबल। विद एग्जाम्पल हमने समझा है, वो सेपरेट टेबल में क्या रखेंगे? तो जो दोनों एंटिटी सेट है उसका भी प्राइमरी की लेने का, उसका भी प्राइमरी की लेने का, दोनों को मिला के रिलेशनशिप टेबल का प्राइमरी की डिक्लेयर कर देने का। जैसा कि आपने देखा, फोन नंबर और कैंडिडेट आईडी जो भी था। अंडरस्टैंड दैट? अब आप समझो, ऑलरेडी यहां पर बॉर्डर बन चुका है। उसके बाद अगर ऐसा रिलेशनशिप है जिसका डिग्री 3, 4, 5, 6, 7 होगा, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या इस तरह की डिग्री प्रेफरेबल है, नहीं। अच्छा, हैव यू ऑब्जर्व वन थिंग? हैव यू ऑब्जर्व वन थिंग? मैंने गेट के सारे क्वेश्चन बताए आपको, क्या आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें डिग्री 3 हो? एक भी क्वेश्चन नहीं। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट आइडिया? कि गेट वाले भी इस बात को समझ रहे हैं कि इसका कोई खास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली बोलूं तो मानना पड़ेगा, अगर कहीं पर भी ज्यादा डिग्री होगा तो क्या सेपरेट टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, यू नीड सेपरेट टेबल, देन आई कैन हैंडल इट, यू नीड अ सेपरेट टेबल। मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, सेपरेट टेबल कैसे। मान लीजिए अगर चार एंटिटी सेट है और बीच में रिलेशनशिप है, क्या कीजिएगा? चार एंटिटी सेट है बीच में रिलेशनशिप है, कैसे करेंगे? तो अगेन, यू टेक ई ऑफ ऑल द एंटिटी सेट, कंबाइन देम इन द टेबल रिलेशनशिप एंड डिक्लेयर इट एज अ रिलेशनशिप टेबल। सही बात है क्या? तो चार एंटिटी सेट है तो चार टेबल तो बना बना, रिलेशनशिप का टेबल कैसे बनेगा? 6 क्यों हो गया भाई, 5 ही तो हुआ। अगर चार एंटिटी सेट है, चारों के लिए एक टेबल, रिलेशनशिप में क्या करेंगे? चारों का प्राइमरी की उठा लो, पिक प्राइमरी की ऑफ ऑल द फोर टेबल्स एंड देन डिक्लेयर इट एज अ प्राइमरी की इन द टेबल रिलेशनशिप। बस 5 टेबल में बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो आप मुझे बताएं, यहां तो क्योंकि मैं टेबल पर डिस्कशन कर रहा हूं, अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं, क्या किसी एट्रीब्यूट के लिए नया टेबल अपने को बनाना है? मैं क्या करूं, मैं रिफ्रेश करूं? ओके, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं।
अभी ठीक है? ओके अच्छा, जहां तक एट्रीब्यूट की बात है, तो फॉर एवरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डू यू अंडरस्टैंड, फॉर एवरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वी नीड अ सेपरेट टेबल। कैसे बनता है ये एग्जांपल सिर्फ कई बार बता चुका हूं कि आपको मेन टेबल का प्राइमरी की लेना है और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को लेना है और दोनों के कॉम्बिनेशन को एज अ की डिक्लेयर कर देना है फॉर द न्यू टेबल। अभी बताइएगा, अगर अभी भी हो रहा है तो ओके। अच्छा अब जरा एक पॉइंट ऑब्जर्व करिए, ये आपको समझ आया है ना एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में। अगेन इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट। आप मुझे बताएं कंपोजिट के लिए डू वी नीड अ सेपरेट टेबल? फॉर कंपोजिट डू वी नीड अ सेपरेट टेबल? नो। डू वी नीड अ सेपरेट कॉलम? डू वी नीड मोर देन वन कॉलम्स? यस। आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं, बट पूछ ले तो आप याद रखिएगा, हाँ भाई एक से ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत पड़ सकती है। डिराइव स्टोर की कोई कहानी नहीं। एक और बात, अगर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है रिलेशनशिप का है, उसका क्या होगा? If relationship have attributes, वो किधर जाएगा? तो अगेन जो रिलेशनशिप का होगा वो इसी का होगा। अगर आपने रिलेशनशिप के लिए टेबल नहीं बनाया है तो क्या ये भी चला जाएगा मॉडिफाइड साइड के पास? यस, इट विल गो टू द मॉडिफाइड साइड। तो जब आप बोलते हो यू पिक अ की फ्रॉम वन साइड एंड पुट, फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, अगर यहां पर एक एट्रीब्यूट होता लेट मी से R1, तो मैं क्या करता, मैंने E2 को मॉडिफाई किया ना, इधर उठा के मैं एक R1 भी बना देता, बात खत्म होगी। इफ रिलेशनशिप हैव एट्रीब्यूट देन इट विल आल्सो हैव द सेम फेथ, इसका भी वही अंजाम होगा जो रिलेशनशिप का हुआ। अगर वो मॉडिफिकेशन से हैंडल हुआ है तो वो भी मॉडिफाइड टेबल में चला जाएगा, अगर इसके लिए फ्रेश टेबल बनता तो ये फ्रेश टेबल में चला जाता। फॉलो कर पा रहे? कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने नई डिस्कस कर ली हो यहां पे? ओके अब इन सारे डिस्कशन के बाद एक छोटा सा डिस्कशन यहां पर बच जाता है, वो किसका बचता है? वो बचता है वीक एंटिटी सेट या वीक रिलेशनशिप। और ये क्या, हालांकि आप देखेंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए ज्यादातर केस में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या वीक रिलेशनशिप या इस आइडिया पे ज्यादा बात की जाती है? नहीं, बट कभी कभी की गई, एक दो बार क्वेश्चन आए हैं। तो पहले एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। एंटिटी सेट सबसे पहले बात करते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अभी तक तो हमें पता नहीं था कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, हमारे लिए तो सबको एंटिटी सेट था, बट अभी बात करूंगा। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एक हो सकता है वीक एंटिटी सेट। इस बात का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। और ऑलरेडी इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने कई बार डिस्कशन किया है, ये आगे करेंगे। Now look at this table. ER diagram आपको नजर आ रहा है? Yes. इसमें खैर बहुत related examples हो सकते हैं। ये मुझे diagram एक बना बनाया मिल गया, इसने मैंने ले लिया। Otherwise we could have different ideas. Now you see, देखिए यहाँ पर क्या है? Loan and payment. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, officer ने इसका नाम में, ये चलिए officer ही रहने देता हूँ। ये मान लीजिए एक स्कीमा है किसी बैंक का, गौर करिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। और बैंक का कोई ऑफिसर है ना, या इसका नाम ऑफिसर मत लिखिए, इसका नाम लोन ही रखिए। अब लोन जो है वो एक एंटिटी सेट है, और जाहिर सी बात है अगर आपका बैंक से लोन पास हुआ है, बैंक आपको लोन दिया है, तो आपके पास एक लोन नंबर होगा, एक लोन अमाउंट होगा। यस और नो? आपके पास एक लोन नंबर होगा और एक लोन अमाउंट होगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? अब एक पॉइंट क्या, देखिए अगर आपको लोन सैंक्शन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग बिजनेस फैमिली वाले भी होंगे है ना, कुछ लोग बैंक की लिमिट भी यूज करते होंगे, क्रेडिट लिमिट बन जाती है बैंक से,
समझाना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे अपन तो ऐसा सोचते हैं कि अपने को बाइक चाहिए, बाइक के लिए हमने बैंक से बोला कि 60,000 का लोन है, नहीं इट्स नॉट बिजनेस, ऐसा समझो आप, बाइक के लिए मेरे को 60,000 चाहिए, तो बैंक ने जैसे ही लोन सेंक्शन किया आप बैंक से ऐसा बोलोगे क्या कि नहीं मेरे को 40 चाहिए बस, नहीं आपने जितना रिक्वेस्ट किया होगा उतना ही आपको मिल जाएगा, तो 60 का लोन सेंक्शन हुआ और आपने पूरा का पूरा 60 ले लिया, यस। लेकिन जो बिजनेस रन कर रहा है मान लीजिए उसको शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए होते हैं बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला आप मेरा एक लिमिट बना दो, इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, और लिमिट बना दो 20 लाख का, ऐसा। नाउ दिस इज अ लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज। अब इस बात का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि 20 लाख पूरा लेने का है, और ऐसा भी नहीं कि आप पे इंटरेस्ट लग रहा है, किसी दिन आपको बिजनेस में जरूरत पड़ी, जरूरत क्या पड़ी, आपको माल खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, पीछे से सामान खरीदना है, यस। और पैसा वापस कब दे पाएंगे, जब माल बिक जाएगा, अभी तो पैसा है नहीं। मैं बैंकिंग नहीं पढ़ा रहा, आप उसका नाम क्या छोड़ दीजिए, आप सीधे इधर आइए, क्योंकि फिर वही बात है आधे कुछ और कहानी गाएंगे। अच्छा पता आधों को कुछ नहीं है लेकिन दिमाग तो सबके अंदर है, एक दो टम आप भी ढूंढ लेंगे, तो छोड़ दीजिए उस बात को। अभी आपको जरूरत पड़ी और आपने बैंक से कहा कि सर 15 लाख दे दो, बैंक का कोई टेंशन नहीं है, 15 लाख आपको दे दिए, तो अभी भी कितने का लिमिट बचा, 5 लाख का लिमिट अभी भी बच गया है ना, और आपने जिस फैक्ट्री से सामान उठाना था उसको 15 लाख की एडवांस पेमेंट करी, ट्रक भर के सामान आपकी दुकान पे आ गया, आपने सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, 4-5 दिन आपने सेल किया और आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए रिकवर कर लिए। अब आपको लगा पैसा रखे रखे क्या करूं, आपने बैंक से बोला लो 5 लाख वापस ले लो, तो बैंक बोलेगा ठीक है 5 लाख वापस दिए, तो अभी 10 लाख आपके पास लोन और आपकी लिमिट दोबारा 10 लाख की हो गई। फॉलो कर पा रहे हैं? अब थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा यार माल बड़ा तेजी से सेल हो रहा है, क्यों ना मैं और माल खरीद लूं, आपने बैंक से बोला 10 लाख और दो मेरे को कुछ और काम करने का, बैंक बोल रहा ठीक है 10 लाख और लो, अब आपकी पास अवेलेबल लिमिट है 0, और ये सॉरी आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 20 लाख और आपकी लिमिट बची है 0। लेकिन अगेन आप तो बिजनेसमैन हो, आपने फिर एक हफ्ता काम किया, वो सामान बेचा और 15 लाख रुपए फिर दोबारा बैंक में जमा कर दिए, आपकी लिमिट बढ़ के आपके पास लोन बचा 5 लाख, फिर वो आपको 15 लाख कभी भी लोन दे सकता। अब आप इस बात को समझ रहे हैं, इट्स अ फ्लोटिंग लोन, एक तरह एक एक डब्बे में 20 लाख रखा हुआ है, जब जितना जरूरत हो उठाने का है ना, जब जरूरत नहीं उसमें वापस रख देने का, ऐसा। जितने दिन आप पैसा उठाएंगे उतने दिन पर ही आपको इंटरेस्ट देना है, नहीं उठा रहे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो जहां पे लिक्विड कैपिटल चाहिए होता है बिजनेसमैन को, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? अब इस तरह का एक सिनेरियो इधर देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इस तरह का एक सिनेरियो देखिए, आमतौर पे से क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, अब उसके अलावा कोई और डिस्कशन नहीं करना है इस पर। लुक एट दिस, मान लीजिए एक लोन नंबर है और लोन अमाउंट है, लेट मी से लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, लोन नंबर 3, एंड लोन नंबर 1 है 10, लोन नंबर 2 है 20, एंड लोन नंबर 3 है 30, 10,000, 20,000, 30,000, यस। अब एक बात समझिए, यहां पर मैं पेमेंट अलग से नोट कर रहा हूँ, ये क्रेडिट लिमिट का एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी का 20 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है तो क्या जरूरी है वो 20 का 20 लेके चला जाए, नहीं। तब समझिए ऐसा हो सकता है, मैं रिगार्ड टू लोन नंबर 2 बात कर रहा हूँ, कि पेमेंट 1 किसी दिन उसने लिया और डेट वहां पर लिखा हुआ है, अमाउंट उधर है, उसने कुछ पेमेंट लिया होगा, मान लीजिए 18 रुपया ले लिया, फिर पेमेंट 2 पे आके उसने बचा हुआ 2 रुपए भी ले लिया। फॉलो कर पा रहे हैं? इस तरह से। अब एक बात समझिए, क्या एक लोन पे मल्टीपल पेमेंट्स हो सकती हैं? क्या एक लोन पे मल्टीपल पेमेंट्स हो सकती हैं? हाँ, है ना। अच्छा एक बात और नोट करिएगा, क्या ऐसा हो सकता है किसी लोन पे पेमेंट ना हुई हो? कैन देर बी अ लोन विदाउट अ पेमेंट? कैन देर बी अ लोन विदाउट अ पेमेंट? यस भाई, अभी लोन सैंक्शन हो गया है, अभी नहीं उसने लिया पैसा, जब उसे जरूरत होगी वो ले लेगा। जैसे कि कुछ समय पहले मुझे शौक लगा कि मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, आई नीड अ क्रेडिट कार्ड, है ना,
और मैं कोई जॉब वॉब तो करता नहीं हूं, और ना ही इस तरह का कोई वेल नोन बिजनेस है जो किसी को बता सकूं। तो ऐसे लोगों को, अब आप किसी को जाके बोलोगे मेरा यूट्यूब चैनल, तो बैंक वालों को नहीं समझ आती ये बातें, वो कहता फालतू बात नहीं, हम नहीं दे रहे, है ना। तो मेरी इज्जत पे बात आ गई, ने मैंने कहा यार ये मेरे को क्रेडिट कार्ड ही नहीं दे रहे, बच्चों को पता लगेगा बच्चे क्या बोलेंगे। खैर जैसे तैसे करके एक बैंक से मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, है ना, और फिर मेरी भूख बढ़ती गई। उसका यूज मैं नहीं करता था, बट मेरे को चाहिए था, मेरे को और क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो ऐसा करते करते मैंने दो तीन तीन या चार क्रेडिट कार्ड ले लिए, चार क्रेडिट कार्ड। अब यूज तो मैं कभी करता नहीं, घर से बाहर मैं जाता नहीं। तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आई रियलाइज कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इनको वापस करने का है, क्योंकि मेरी लिमिट कभी यूज हो ही नहीं रही। आप समझ रहे हैं क्या? तो क्रेडिट कार्ड विट्स लाइक लिमिट, एक लिमिट पे आपको लोन मिल गया और वो आपने यूज किया और वापस किया, ना मैं कभी इस्तेमाल कर रहा। कोई पूछता है अच्छा कभी जेब में नहीं रखा अलमारी में, कभी नंबर नहीं पता, कहीं जाए तो हाथ में नहीं, तो उस बात का मतलब क्या है? हर महीने उसका वो हर साल उसका फीस और भरना पड़ रहा है। फिर आपने पक्का डांट खाई होगी अंकल से? नहीं, क्यों खाऊंगा भाई, मेरे पैसे मेरी मर्जी, इजंट इट। मैं उसको जमीन में लगाऊं, मैं उसको हॉट एयर बैलून में लगा के उड़ा दूं? यस। खैर इस मामले में तारीफ मेरी नहीं है, सही बात है, मेरे पिताजी की है, बिकॉज बहुत लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, बट माई फादर लेट इट बी। भाई तुम कमा रहे हो तुम करो, मुझसे मतलब नहीं है। कभी बर्बाद हो जाओगे तो आके मेरे पास खाना खा लेना, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। ऐसा पिछले 5-10 साल से सही है, तो जब नहीं था तो भी कूल थे, अभी है तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए खैर दोबारा आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। हाँ तो मैं बोल रहा हूं, अब आप ये बात समझ रहे कि लोन जो है वो बिना पेमेंट के एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मेरे केस में तो हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, बट पेमेंट कभी हुआ ही नहीं, बस वो लिमिट ही बनी हुई है ना। नाउ सेकंड आइडिया देखिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि पेमेंट हो गई और लोन ना हुआ हो? पेमेंट हो गई और लोन, ऐसा नहीं हो सकता। पहले लोन सेंक्शन होगा, फिर उस लोन के अगेंस्ट में पेमेंट होगा। अच्छा तो आर यू गेटिंग द फैक्ट दैट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोन लोन मस्ट बी टोटल और पार्शियल? इट कैन बी पार्शियल, लोन को जरूरत थोड़ी है। आई कैन हैव अ लोन नंबर जिसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट ना हुआ हो, लेकिन द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पेमेंट मस्ट बी टोटल। पेमेंट बिना लोन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो देयर यू सी टू लाइंस। अब यहां पे अपने हिसाब से हर चीज मत मान लीजिएगा यहां पे। हाँ इसको फिलहाल ऑब्जर्व करेंगे, इट वर्क्स एज वन टू मैनी। एक लोन के ऊपर मल्टीपल पेमेंट्स हो सकती है ना। अच्छा ये बात आपको समझ आई? नाउ दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन। अच्छा अब एक बात समझिएगा, इंटेंशनली हमने पेमेंट के साथ लगाया पेमेंट नंबर, बट क्या अलग अलग लोन के पेमेंट नंबर सेम हो सकते हैं? इसका भी कोई पेमेंट नंबर वन होगा, इसका भी कोई पेमेंट नंबर वन होगा, इस पे भी कोई पेमेंट नंबर वन होगा। तो क्या पेमेंट नंबर नंबर मतलब फिलहाल मैं सीक्वेंस की तरह लेके चल रहा हूं, वो तो बात ठीक है मैं अलग अलग बना सकता हूं, बट नहीं मैं इसको सीक्वेंस की तरह लेके चल रहा हूं, या आप अलग अलग मान लो जैसे चाहे वैसे रिलेट कर लो। समझाना ये चाह रहा हूं, क्या पेमेंट नंबर एक ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप यूनिकली इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर लोगे? नहीं। सो दिस इज नॉट अ की, ये की नहीं है। हाँ जब आप मुझे बताओगे किस लोन नंबर का पेमेंट नंबर, तब कुछ बात समझ आएगी। डज दैट मेक सेंस? सिर्फ पेमेंट नंबर से तो कुछ नहीं पता लगेगा ना, आप मुझे बताओ लोन नंबर देन पेमेंट नंबर, तब मैं आपको बताऊं एंट्री क्या है। अब इसी वजह से देखो, ध्यान से देखोगे इसको अंडरलाइन डॉट 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 करके लिखा गया है। यस नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या पेमेंट नंबर की है? नहीं पेमेंट नंबर की नहीं है, पेमेंट नंबर डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है। और क्योंकि पेमेंट के पास की नहीं है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा,
it is called strong entity set or weak entity set. Now that is a definition. अगर कोई एंटिटी सेट ऐसा है जिसके पास अपना की नहीं है, now that is called weak entity set. अच्छा, how you identified a weak entity set? Represented by double rectangle. Double rectangle अगर कहीं मिला तो समझ जाइएगा weak entity set है. Yes? अच्छा, अगेन अभी बहुत सारी भी टर्मिनोलॉजी है, I'll make it clear, but पहले मैं इसकी मेजर इंटेंशन आपको समझा देना चाहता हूँ. आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो वीक एंटिटी सेट है ये हमने जानबूझ के बनाया है, ये मजबूरी में बन गया. ये सर कोशिश तो की थी बट हैंडल ही नहीं हो पाया, मजबूरी में बना. ज्यादा तो लोग मजबूरी बोल रहे हैं, नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने इंटेंशनली इसको ऐसा बनाया है हम. यस यस यस, ये मैं जानना चाह रहा था कि पहले आप इस बात को समझो यार, इतना कुछ कर लिया तो चाहते तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे भी लोन नंबर लगा देते, इजंट इट, हो गई थी बात सेटल. हम नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन हमने इंटेंशनली उसको वीक रखा है. फिर वही पुराने वाला आइडिया, मुझे बताओ अब ये हमेशा हमेशा के लिए क्या लोन नंबर पे डिपेंडेंट है? जी हाँ. तो लॉन्ग रन में इसको मैनेज करना आसान होगा या मुश्किल होगा? लॉन्ग रन में इसको मैनेज करना आसान होगा. अगर आप लोन की एंट्री डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी पेमेंट एंट्रीज है रिलेटेड टू दैट लोन, क्या वो सबकी सब डिलीट हो जाएंगी? यस. अब यहां पर आप वो जो कल हम एक एनवायरमेंट सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे किसी कॉलेज का, तो एक स्टूडेंट है और उसका स्टूडेंट आईडी है, बस वही एक की है और बाकी सबको वीक बना दो. हॉस्टल आईडी वीक, लाइब्रेरी आईडी वीक, अटेंडेंस वीक, सब कुछ वीक है और उन सबका डिपेंडेंट स्टूडेंट आईडी पे है. जब तक स्टूडेंट आईडी है तब तक वो सारे रजिस्ट्रेशन वैल्यूज है, जैसे ही स्टूडेंट आईडी गया वो सबके सब भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे. ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो अगेन अगर मैं आपसे एक आर्ग्यूमेंट करूं, लुक एट दिस रीजन टू हैव वीक एंटिटी सेट. ज्यादा तो लोग इसके बारे में बात करेंगे नहीं, लेकिन आइडिया समझना जरूरी है. आखिर मैं इसको रख क्यों रहा हूं भाई, मेरे को चाहिए क्यों? सो वीक एंटिटी सेट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी बीइंग डिपेंडेंट ऑन अनदर एंटिटी. पहली बात तो ये रियलिटी बताता है कि यस दिस इज द मेन आइडिया एंड दिस आइडिया इज डिपेंडिंग ऑन दिस. Weak entity can be deleted automatically when the strong entity is deleted. Yes, it makes maintenance easy. Without weak entity set, it leads to duplication and consequent possible of inconsistency. अगर मैं ये नहीं करता तो अभी जो मैं आपसे बोल रहा था, मेरे को क्या करना पड़ता? मेरे को इधर loan number को repeat करना पड़ता in the structure. Yes, उससे फिर नए problem repeat होते. Follow कर पा रहे हैं? तो क्या जरूरत है उसको वीक रहने दो. अब मुझे बताइए आइडिया डिलीट हो पा रहा है क्या? ओके, ठीक है, अभी एक एक करके बात कर रहे हैं. अभी नंबर ऑफ रिलेशन की बात नहीं की, पहले से समझ तो लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे. आप ये बोल रहे हैं मैं पूरी लगन से पूरा प्रीवियस वीडियो कवर कर रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं? करते रहिए, लेकिन लाइव क्लास भी देखते रहिएगा, वरना फिर वो बैकलॉग कभी पूरा होगा नहीं, है ना? अभी सैटरडे संडे, इसलिए उस टाइम का इस्तेमाल करिएगा. ओके, अब आ जाता हूं रिलेशनशिप पे. लुक एट दिस रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप है इसके दो पार्टिसिपेंट हैं, एक है लोन एक है पेमेंट. फॉलो कर पा रहे हैं? यस. लोन और पेमेंट में क्या दोनों स्ट्रांग हैं या एक स्ट्रांग एक वीक है? वेरी गुड. तो यू नो दैट लोन इज अ स्ट्रांग एंटिटी सेट बट पेमेंट इज अ वीक एंटिटी सेट. सो ये रिलेशनशिप भी जो है ये भी कहलाएगा वीक रिलेशनशिप. क्या कहलाएगा? वीक रिलेशनशिप और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. मैं टर्मोलॉजी क्लियर करता हूं. लुक एट दिस. फॉर अ वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल एंड कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी कॉल्ड आइडेंटिफाइंग और ऑनर एंटिटी सेट. इस बात को समझिएगा. कैन आई से कि पेमेंट जो है वो बिना लोन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता? यस. और
हम बोल रहे कि पेमेंट जो है वो काइंड ऑफ डिपेंडेंट है किस पे, ये लोन कर लीजिए, काइंड ऑफ डिपेंडेंट है किस पे, लोन पे। अच्छा एक और बात, हालांकि दिस इज अ मैनी वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो कैन आई से पेमेंट कैन बी कन्वर्टेड, ये रिलेशनशिप के कन्वर्जन के लिए लोन नंबर तो इधर मेरे को बोरो करना ही पड़ेगा ना, लोन नंबर बोरो करना पड़ेगा, पुराना नियम है, प्राइमरी की ऑफ वन साइड पुट इट एज अ फॉरेन की इन मेनी साइड। नाउ ये जो पेमेंट है, क्या अब ये पेमेंट नंबर प्लस लोन नंबर को एज अ की डील कर सकता है? क्या ये पेमेंट नंबर लोन नंबर को एज अ की डील कर सकता है? यस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर अब ये पेमेंट मान लेते हैं किसी ब्रांच से भी डिलेट करता है, किस बैंक के किस ब्रांच में पूरा केस चल रहा है, जब ये ब्रांच से बात करेगा तो पेमेंट कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह वीक की तरह? पेमेंट इसको बताएगा नहीं कि मैं वीक हूं, पेमेंट बोलेगा मैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ब्रांच बोलेगा तुम स्ट्रांग हो तो अपना की बताओ, तो बताओ पेमेंट क्या बोलेगा, पेमेंट बोलेगा माई की इज पेमेंट नंबर प्लस लोन नंबर। याद रखेंगे क्या, पेमेंट बोलेगा माई की इज पेमेंट नंबर प्लस लोन नंबर। नाउ व्हाट कंक्लूजन इट कम्स, नाउ कंक्लूजन क्या आया, अ वीक एंटिटी सेट कैन बी कन्वर्टेड और कैन बिहेव एज अ स्ट्रांग एंटिटी सेट बाय बोरोइंग अ प्राइमरी की, बाय बोरोइंग अ प्राइमरी की एंड देन डिक्लेयरिंग प्राइमरी की which is borrowed primary key, so foreign key plus discriminator attributes in combination, it work as a primary key for the weak entity set. Main table से अपन ने जो primary key लिया वो बन गया foreign key, and जो आपका discriminator attribute था वो दोनों मिलकर as a key behave करेंगे for the table payment या for the table weak entity set. वो मैंने लिखा हुआ है सब पॉइंट। प्राइमरी की ऑफ द वीक एंटिटी सेट विल बी क्या होगा, विल बी यूनियन ऑफ प्राइमरी की एंड डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट। यस, नाउ दिस इज कॉल्ड वीक रिलेशनशिप, और कुछ लोग इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेटर नॉट क्लियर, डिस्क्रिमिनेटर इज दैट एट्रीब्यूट जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है या टोटल इंफॉर्मेशन है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है बट टोटल नहीं है। द पॉइंट इज, क्या इस एट्रीब्यूट के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये की तरह बिहेव कर सके और किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके? नहीं। तो जिस टेबल के पास अपना की नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं अभी रिलेशनल मॉडल की बात नहीं कर रहा, बट अगर आप ये बोलते हो ना वी हैव अ टेबल, तो डज दैट मीन कि आपके पास की है? यस, टेक्निकली अगर किसी भी स्ट्रक्चर के पास की ना हो तो मैं उसको ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। दैट इज अ रूल, दैट इज अ रूल। सो एवरी टेबल मस्ट हैव अ की। तो इसको मैं कैसे की दिला रहा हूं, अगेन बोरो करके और कॉम्बिनेशन बना के। अभी रुको ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, लुक एट दिस एग्जाम्पल से पूरी बात समझ लेंगे। जरा इसको देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन, दैट इज गेट 2012 टू मार्क क्वेश्चन। मान लो फिल इन द ब्लैंक है, सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने बना हुआ है, कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, अदरवाइज बता दो। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछ रहा है। अभी देखना, एक एक बात समझ आ जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछ रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी सारी इंफॉर्मेशन इसने इसमें इसमें लिखा हुआ है। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अच्छा एक और बात मैं नोट करा दूं, रिलेशनशिप में यहाँ पे मैपिंग नहीं लिखा गया, बट आप देख रहे हैं एरो लगाया हुआ है, तो एरो मींस वन, एंड इफ सम साइड डजंट हैव एरो इट मींस इट्स अ मेनी साइड। तो ये मत सोचिएगा बताया नहीं गया है। ओके, नाउ जितने भी, चाहे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है वीक एंटिटी सेट है, हर किसी के लिए टेबल तो बनना ही है। तो एम
पी और एन तीनों के लिए टेबल बनेगा। एम के लिए कैसा टेबल बनेगा? M1 विल बी द की, बनाया गया डायग्राम में। उसके बाद M2 होगा, M3 होगा। P के लिए P1 विल बी द की, साथ में P2 होगा। और N के लिए क्या N1 की है? जी नहीं, N2, P1 विल बी द की और साथ में N2 होगा। अब कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बिकॉज N इज एसोसिएटेड विद P, तो इसने 100% इसका प्राइमरी की एज अ फॉरेन की बोरो किया होगा। और अब मुझे बताओ, डिस्क्रिमिनेटरी एट्रीब्यूट प्लस दिस फॉरेन की, इट वर्क टुगेदर एज अ प्राइमरी की फॉर द टेबल वीक एंटिटी सेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो तीनों के लिए हमने कन्वर्जन कर लिया। फॉलो कर पा रहे हैं? एक सेकेंड, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या एम में भी P1 होगा। देवदत्त, सोडिंजर, कैटरपिलर और शांतनु, तीनों को बात एक साथ समझ आई। एम वीक है क्या? क्या एम वीक एंटिटी सेट है? नहीं है, वो तो स्ट्रांग है। ओके, अब अगला पॉइंट हमें देखना है रिलेशनशिप। अभी हमने एंटिटी सेट को तो कन्वर्जन कर लिया, रिलेशनशिप। नाउ यू सी, दिस R1 इज अ मेनी टू वन रिलेशनशिप। डू आई रिक्वायर टू हैव अ सेपरेट टेबल? नो, सेपरेट टेबल नहीं है। तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आपको पता है, वन साइड को मेनी साइड पर रखते हैं। तो अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, बट इसको मॉडिफाई करने का रीजन क्या है? क्योंकि मैं रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड लेट मी पुट P1 हियर एज अ फॉरेन की, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं बोलता हूं ना, R1 इज ऑल्सो कंसीडर्ड। यस, हालांकि एग्जाम में डिटेलिंग नहीं पूछी गई है स्ट्रक्चर की, बट हमें आता है तो हम कर सकते हैं क्योंकि एट्रीब्यूट बताए गए हैं। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, रही बात R2 की, आप मुझे बताओ, इस रिलेशनशिप को क्या सेपरेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा या एन को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ऑलरेडी मॉडिफिकेशन किया जा चुका है? देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट कन्वर्जन ऑफ अ वीक एंटिटी सेट, बिकॉज यू नो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एन इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, मैंने ऑलरेडी वन साइड से प्राइमरी की को इधर उठा के रख लिया है। सो आई थिंक दैट इज डन। इसके अंदर मुझे नहीं लगता फर्दर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। द एंटायर ईआर डायग्राम इज कन्वर्टेड एंड वी हैव ओनली 3 टेबल। बेटा, इतना टाइम लेके, इतने तरीके से, इतने एग्जाम्पल के साथ अगर इसको कर रहे हैं ना, विश्वास मानिएगा, हालांकि ऑब्वियसली यू हैव अ राइट, बट ऑल्सो यू नो यू आर वेरी प्रिविलेज बिकॉज ऑफ अन अकेडमी एंड ऑल, की ये सब आपको इतने सॉर्टेड तरीके से मिल पा रहा है। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो ना, इस बात को समझिएगा, अगर इसके बाद भी आप एफर्ट नहीं कर रहे, चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर इस बात को याद रखना अपने आने वाले लाइफ में भी कि आपको करना ही नहीं था। मैं इसको अच्छा है बुरा नहीं मान रहा, बिकॉज फल तो आपको वही मिलेगा जो आपको करना है, जो आप करोगे। लेकिन फिर ये क्लैरिटी है, वो ये नहीं बोल सकता मौका नहीं मिला, कोशिश की थी कर नहीं पाए, ये मत बोलना। क्योंकि अगर इसके बाद भी आपने नहीं किया, इसका मतलब करना ही नहीं था। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ, तीसरी चौथी क्लास है, अगर अब भी कोई बोलता है कि यार डायग्राम नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है, उसका क्या तरीका है? उसको और कोई तरीका नहीं है भाई, फिर आपको करना ही नहीं है, बस यही बात हो सकती है। ओके, अब मुझे बताएं, वीक एंटिटी सेट की बात और इस तरह का क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, जैसा अभी नेट वाले, आप जानते हैं नेट वाले को टर्मिनोलॉजी पसंद है, जरा इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़िए और मुझे बताइए, अभी जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, कैन यू आंसर, कैन यू आइडेंटिफाई ये क्या बोल रहा है? हालांकि नोट्स में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। गेट वाले इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं करते, आप जानते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, बट अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं तो खासकर। फॉर अ वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल,
वीक एंटिटी सेट को मीनिंगफुल मतलब जाहिर सी बात है कन्वर्जन की बात कर रहा है, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी सेट इन कॉम्बिनेशन विद सम ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यू. सही बात है क्या? उसको कन्वर्जन या उसको रिलेट करना पड़ेगा. अब वो बोल रहा है जिसके साथ रिलेट करेंगे वो क्या होगा, नेबर सेट होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा, ऑनर एंटिटी सेट होगा, वीक होगा. यहां पर अच्छा सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 60% ऑप्शन बी को. मुझे बताओ डी और ए तो हटा दू ना, कैन आई रिमूव डी एंड ए? हाँ ये बात यही क्लियर करनी है, जरूरी है. अच्छा तो आप समझिए, नो करेक्ट आंसर इज ऑनर एंटिटी सेट नॉट द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट. इस बात को भी समझाता हूँ दोबारा, देखो जहां हमने टर्म भी देखा था वाई ऑनर. एक बात आप समझो, या लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये जो वीक एंटिटी सेट है ओके ये जो वीक एंटिटी सेट है आप मुझे बताओ क्या वीक एंटिटी सेट हर किसी को ये बताता है कि वो वीक है? ये बताओ. नहीं, वो किसको बताता है वीक है? वेरी गुड. तो अब ध्यान से देखो, ये आप खुद ही समझ गए ना, पेमेंट तो लोन से भी कनेक्टेड और ब्रांच से भी स्ट्रांग, तो ये दोनों है नहीं है क्या? तो यू कॉन्ट राइट स्ट्रांग. वो स्ट्रांग जिसको मैं अपनी सच्चाई बताता हूं उसको बोलता हूं आइडेंटिफाइंग और ऑनर एंटिटी सेट. अब ये बात याद रखेंगे दोबारा. यस, क्योंकि यार वो कनेक्ट तो बहुत सारे स्ट्रांग से कर सकता है बट वो किसी एक को बताता है. जैसे आप कहीं ना कहीं वीक होंगे, आप किसको बताएंगे ये बात? आप तो बहुत दिल पे ले लिए, अलग अलग आ रहा. कोई कह रहा डॉक्टर को बताऊंगा, कोई बोल रहा बाबू सोना को बताऊंगा, सिस्टर को बताऊंगा, गर्लफ्रेंड को, मम्मी को, टीचर को. खैर तो जाहिर सी बात है देर आर डिफरेंट डायमेंशंस इन योर पर्सनालिटी और आप वो डायमेंशन उसी के साथ शेयर करेंगे जिसका उस डायमेंशन से लेना देना है, इजंट इट? हाँ. तो आपका जो नॉलेज बेस है, खासकर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो बात है, प्रोफेशन की जो बात है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. सही बात है. कुछ बातें अब यू नो एवरीबडी हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट, एवरी फैमिली हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. तो हो सकता है यू आर वेरी क्लोज टू योर सिस्टर और मदर और ब्रदर और फादर इन सम केसेस इफ इट इज, तो वो डिपेंडिंग हो सकता है. ठीक है, बट अब ये समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग बहुत सारे हो सकते हैं बट आइडेंटिफाइंग एक ही होगा. ओके अब एक और छोटी सी बात मुझे बतानी है और वो बात है ट्रैप. अगेन दिस इज ऑल्सो एन आइडिया जिसपे अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, बट यू नेवर नो. एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, जिसको बस एक बार हल्का सा आइडिया समझने की कोशिश करना है. मे बी इन अ फार्दर सेंस कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर कर पाए. फादर को बताता हूं बट मम्मी के थ्रू बता दो बस. ठीक है चलो, हो गया, वेरी गुड. इधर आओ आप. आपको कैसे पता लगा कि ये टॉपिक पढ़ाना है? पढ़ने से. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे मटेरियल्स देखे, बच्चों को परेशान होते देखा. चलो खैर मैं आपको बताता हूं, इस टॉपिक का एग्जाम से कुछ खास लेना देना नहीं है. बट इज इट कंसीडर्ड एज ऑप्शन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम? यस, मां पूछता है, पूछ सकता है. अच्छा, कुछ कोचिंग वाले हैं अलग अलग पब्लिशन हाउस मार्केट में है, अपने आप को कूल बनने के लिए एक क्वेश्चन यहां से डाल देंगे. अब एक गेट से पहले आप टेस्ट लिख रहे हो, वहां पर क्वेश्चन आ गया फैन ट्रैप. आप बोलोगे संचित जैन ने क्या डीबीएमएस पढ़ा, फैन ट्रैप तो पढ़ा है नहीं. यस, तो
टू कंसिडर माई सेल्फ ऑन द सेफर साइड, मैंने कहा भाई पढ़ा दू मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, और फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें जो मैंने नहीं पढ़ाई है। मैं अगेन ये बात आपको बता रहा हूं, एग्जाम गेट एग्जाम, मैं आपको डीबीएमएस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डीबीएमएस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, और ये पूरा कंसंट्रेशन उसी काम के लिए किया जा रहा है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना दोनों बात समझने के बाद पढ़ने से होगा। क्या गेट वाले ये आउट नहीं करते कि हम इन टॉपिक से क्वेश्चन देंगे? करते हैं। ये पूछ रही कि गेट वाले नहीं बताते कि हम किस टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, बताओ ये गेट वाले बताते कि नहीं बताते कि हम किस टॉपिक से क्वेश्चन देंगे? नॉट जस्ट सिलेबस, लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सोचो आप, बच्चा आता है बोलता है सर इंपॉर्टेंट बता दो, सर शॉर्टकट टेक्निक्स बता दो। आप जिस भी एग्जाम के लिए पेपर का, चलो फॉर एग्जाम्पल कल से मान लीजिए मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना शुरू करता हूं यूपीएससी के लिए, यस। अब मेरे को तो एबीसीडी भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। बट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस तो शायद ही होता हो ऑप्शन, मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री ले लेता हूं, लेट मी टेक हिस्ट्री एज ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सबसे पहले सिलेबस लो और सबसे पहले लास्ट 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, बस दो ही काम करना और कुछ नहीं करना। और बुक लेके ये मार्क करते जाना है किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे इसमें एक दिन लगे, दो दिन लगे, चार दिन लगे, एक हफ्ता लगे। अब मेरा टॉपिक हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे पता है कि मैं सही पढ़ रहा हूं गलत पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हो सकता है। पहले मुझे समझना पड़ेगा कि यूपीएससी को हिस्ट्री से क्या पसंद है, यस और नो। तो जब मैं 10-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा, देन मेरे को पता लगेगा अच्छा यार मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछता है, ओल्ड हिस्ट्री से भी पूछता है, ये नहीं इससे क्वेश्चन आया था, चोरी चोरा इज इंपॉर्टेंट या समथिंग लाइक दिस। और ये बात दुनिया के हर एग्जाम पे लागू होती है, पता नहीं बच्चा देखना ही नहीं चाह रहा तो फिर अलग बात है। फॉलो कर पा रहे? गेट में भी तो यही है। अब आप डीबीएमएस की बात करो, उठा लो डीबीएमएस। अब इसमें इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे आइडियाज हो सकते हैं, बट इफ यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड यार बेसिक आइडिया एट्रीब्यूट का होगा, समझ आ जाएगा। क्या किसने स्टोर्ड की, डिराइव्ड की, सब बातें की क्या आपसे? नहीं। कन्वर्जन के 2-4 क्वेश्चन कर लो, बात बन जाएगी। बस ये ईयर डायग्राम, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको ऐसा। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और ये अंडरस्टैंडिंग मैं हर किसी से बोलता हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे पढ़ने से पहले टॉपिक को जानना और ये जानना कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, और टॉपिक पढ़ने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने, चाहे वो कोई भी टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे तो आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसका एग्जाम से तो कोई लेना देना नहीं, आपकी तैयारी सही नहीं चल रही, दैट इज अ फैक्ट नाउ। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना जो ये बोले, ये सोचें कि हमको नहीं समझ आ रहा कि वेदर वी आर डूइंग करेक्ट और नॉट। स्पेशली चलो आप लोग के लिए तो हमें कोई कह रहा मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, सर कर ले भाई। अब कैसे जज करूं मैंने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? देन यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं स्पेसिफिक टाइम में कर पा रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे को पता है, लेकिन मुझे पता नहीं, बहुत सारे तजुर्बे होते हैं ना जीवन में, हम ये सोच नहीं रहे होते कि हमें अलग बात हो जाएगी। बट मैं आपसे भी हमेशा ही बोलता हूं, आपकी मेरी और हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यस। बट हमें ये समझना है, हमें समझना है कि किन प्रॉब्लम को वैल्यू करना है, किन प्रॉब्लम्स को वैल्यू नहीं करना, बस इतनी सी बात है। लेट मी कोट यू एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आमतौर पर कभी कभी ऐसा हो सकता है, खासकर कि फर्स्ट ईयर के बाद कुछ बच्चे सोचते हैं कि अपने को हॉस्टल से बाहर रहना है। होता है क्या?
एक कॉमन एग्जांपल जानो, बीटेक के बच्चे की बेसिक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। हॉस्टल से बाहर रहना है, और थर्ड ईयर यू नो फोर्थ ईयर तक तो आते आते हैं, मुझे पता नहीं कोई जस्टिफाइड रीजन है कि नहीं, मैं सिर्फ वो केस बता रहा हूँ जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किया है। और होता ये है कि बच्चे को सम टाइम यू नो हॉस्टल में सफोकेटेड फील होने लगता है, क्योंकि कई जगह बहुत सख्ती हो सकती है, वार्डन हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है, और उसके अलावा आप लोगों की हरकतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि फिर पता नहीं क्या क्या मैं बोलूं आपको। तो बच्चा कहता है बाहर रहने का है। घर वालों को क्या बोलता है? घर वालों को बोलता है कि खाना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, कोचिंग मेरे को जाना रहता है, और हॉस्टल बहुत महंगा है, हॉस्टल इज वेरी कॉस्टली। हम अगर चार लोग रहेंगे ना शेयरिंग करके, इससे आधे में पड़ जाएगा पापा, कहाँ हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा वो बोलता है। यस, रियलिटी में होता क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, एक तो आपकी इंडिपेंडेंस, मन हो ना हो फिर भी हॉस्टल में मुझे तो लगता है रिलेटिवली पढ़ाई ज्यादा होती है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है हमारे ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब आप बाहर रहते हैं ना तो आप सिर्फ यू नो देन यू आर नॉट अ स्टूडेंट, देन यू 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 गो इन टू ग्रस्त जीवन। कभी सिलेंडर की गैस खत्म है, कभी सब्जी लाने का है, कभी मसाला लाने का है, वो बाई को देखना है कि वो सब्जी बनाए कि नहीं आई, लाइट क्यों नहीं आ रही है, और न जाने क्या क्या, पड़ोसी म्यूजिक बजा रहा है और या आप पड़ोसी के म्यूजिक सुन रहे हैं, और ये सब कहानियां होती हैं। मैंने बच्चों की ईयरबैग लगती देखी है, बच्चों को बिगड़ते देखा है, बच्चों को बर्बाद होते देखा है, सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट से। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, हर जगह डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आता है। यस, तो अब बच्चे को बस ये समझना है यार, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तू बाहर रह के तेरे को लग रहा है तू 5,000 बचा लेगा, यार तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करने सब्जी बनाने आया था क्या? नहीं, तो फिलहाल ये 5,000 इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। मैंने ऐसे ऐसे गधे देखे हैं, 10 रुपए का मैगी ला रहे हैं बाजार से खरीद के, कुकर है उनके पास उसमें मैगी बना रहे, 15-15 रुपए में रात में हॉस्टल में बेच रहे हैं मैगी, ढाबा बना लिया उन्होंने कमरे में, लिटरली बता रहा हूं, मैंने देखे हैं ऐसे लड़के भाई, 10 रुपए का मैगी ला रहे हैं 15 में बना के बेच रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम्हारे तुम्हारे घर वाले अगर होते ना इतने जूते तुम्हें मारते, इंजीनियर बनने भेजा था या ढाबा खोल लिया तुमने। मैंने कहा पराठा सब्जी और बनाने लगो बस हो गया काम। ये देखो अनन्या भी बता रही है कि इनके यहाँ पे 10 का मैगी 12 में, देखो कितने कम मार्जिन में बेच रहे हैं। खैर, तो अगेन आपको समझना है कि हर आदमी से लड़ना है क्या, हर आदमी से नहीं लड़ना है, पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक आदमी को आपको 10 रुपया देना था, वो नाजायज मांग रहा है 12 रुपये मांग रहा है, क्या करे? अबे 2 12 रुपये खत्म करो यार, 2 रुपये के लिए कितना सिर फोड़ना है, कुछ और करो जीवन में, इजंट इट? यहाँ लोग 2 2 रुपये के ऊपर चाकू चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो क्या, दोबारा वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर, लुक एट दिस। तो अभी मैं बात कर रहा ट्रैप्स की, तो ट्रैप की क्या कहानी, जल्दी छोटी सी कहानी एक बार पढ़ के समझ करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर इसने बोला डिपार्टमेंट है, साइट है, स्टाफ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसने बनाया, पहले तो आप समझो, इसने डायमंड बनाया नहीं, बट डू यू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है? अच्छा, इधर इसने इस तरह से एन लिख दिया, बट डू यू अंडरस्टैंड कि इधर भी वन है और इधर भी वन है? ओके, सो दिस इज डिपार्टमेंट साइड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट मी से दिस इज हेड ऑफिस, दिस इज ब्रांच ऑफिस, ऐसा ऑब्जर्व करो, दिस इज हेड ऑफिस, दिस इज ब्रांच ऑफिस। अब आप समझो कंपनी है, कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा, और कंपनी के अंदर बहुत सारा स्टाफ होगा, एम्प्लॉयज होंगे, और बहुत सारे ब्रांच भी हो सकते हैं। यस, तो फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूं आपसे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का हेड ऑफिस कहाँ होगा? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का हेड ऑफिस कहाँ होगा? वेरी गुड, थैंक गॉड, मतलब इट्स अ कॉमन सेंस ना,
अगर वो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है तो उसका हेड ऑफिस किधर होना चाहिए? हैदराबाद में होना चाहिए, मुंबई या दिल्ली तो नहीं होगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं। मान लेते हैं, अच्छा हेड ऑफिस में काम कर, दिस इज ब्रांच ऑफिस नॉट हेड ऑफिस, इसको बनाता हूँ डिविजनल ऑफिस। तो मान लेते हैं कि बैंक के पास दो डिविजन्स है, एक एक आंध्रा में, एक तेलंगाना में, अभी बाद में डिवाइड हो गया, और बैंक के पास बहुत सारी ब्रांच है। लेट मी से द बैंक हैज थ्री ब्रांचेस लाइक दिस। डिवीजन वन हैज टू ब्रांच एंड डिवीजन टू हैज ओनली वन ब्रांच एंड देर आर नंबर ऑफ स्टाफ, लेट मी से, और दीज आर मैनेजर्स टू बी प्रिसाइज, मैनेजर वन, मैनेजर टू, मैनेजर थ्री, लाइक दिस। अब जरा ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करो, बैंक के पास कितने मैनेजर हैं? बैंक के पास तीन मैनेजर हैं, और बैंक के पास दो डिवीजन हेडक्वार्टर हैं, और डिवीजन वन में दो ब्रांच है, ब्रांच वन, ब्रांच टू, डिवीजन टू के अंदर एक ही ब्रांच है, ब्रांच थ्री। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट वो ब्रांच में काम करते हैं कि डिवीजन में काम करते हैं? जो मैनेजर है, ये जो स्टाफ हमारा है, वेरी गुड। नो, तो इन इन रियलिटी वो काम करते हैं ब्रांच में, इन रियलिटी वो काम करते हैं ब्रांच में, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि गलती से, ये शायद जानबूझ के पता नहीं क्यों, एम्प्लॉय को, स्टाफ को पहले डिविजनल ऑफिस से कनेक्ट किया, फिर डिविजनल ऑफिस को ब्रांच से कनेक्ट किया। तो यहाँ पर हमने डेटा तो सब अरेंज कर लिया, बट यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? कैन यू टेल मी मैनेजर वन, दरअसल ब्रांच वन में मैनेजर है, ब्रांच टू में नहीं? कैन यू टेल मी दैट मैनेजर टू इज मैनेजर इन ब्रांच वन और ब्रांच टू? नहीं। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम, इसको ट्रैप क्यों बोल रहे हैं? इसको ट्रैप भाई इसलिए बोल रहे हैं कि आपने सब डेटा सही बनाया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस सही किया, लेकिन कॉपी पे जब अरेंज करना था तो ऑर्डर गड़बड़ कर दिया। फॉलो कर पा रहे हैं? कॉपी पे जब अरेंज करना था तो कॉपी पे ऑर्डर गड़बड़ कर दिया, और इसको पहचानेंगे कैसे? लुक एट दिस। जब आप डिविजनल ऑफिस को देखोगे तो एक वन टू मैनी रिलेशनशिप इधर जा रहा है, एक वन टू मैनी रिलेशनशिप इधर जा रहा है। कैन यू सी दिस? फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी सेट देर आर टू वन टू मैनी रिलेशनशिप गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैन ट्रैप। लुक एट दिस, मैं क्या लिखता हूँ, फैन ट्रैप। इफ टू और मोर वन टू मैनी रिलेशनशिप अमंग इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी सेट से जब अलग अलग डायरेक्शन में इमर्जन आउट करें, दैट इज कॉल्ड फैन ट्रैप। यस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत सिंपल बात है, हमें बोलना पड़ेगा कि भाई इसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो। तो शायद पहले डिविजनल ऑफिस बनाओ, फिर ब्रांच ऑफिस बनाओ, फिर स्टाफ बनाओ। यस, ऐसा करेंगे तो डिविजनल ऑफिस इज D1 एंड D2 एंड ब्रांच ऑफिस इज B1 एंड B2 एंड देन स्टाफ इज M1 M2 एंड M3। अब आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे और अब आपको पता भी लगेगा कौन सा मैनेजर किस ब्रांच में काम कर रहा है। फॉलो कर पा रहे हो? कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा रीअरेंज करना है? ईआर डायग्राम किसने बनाया रोहित? ईआर डायग्राम कौन बना रहा है? अबे अभी तक तो कंप्यूटर ही पिक्चर में आया ही नहीं। कह रहा कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, अभी तक हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं डेटाबेस में, कंप्यूटर के पिक्चर में आया क्या? नहीं। तो फिर हमने बनाया, हमने आइडेंटिफाई किया, हम ही सही करेंगे, कंप्यूटर को क्यों बताना चाहते हो? फॉलो कर पा रहे हो? अच्छा, तो अगेन इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको रीअरेंज करो, और जब रीअरेंज करोगे तो जैसे इसने अपने हिसाब से किया, बट अगेन कहीं भी देखोगे तो वन टू मेनी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इजंट इट? ओके अच्छा, शुभम पूछ रहा है ट्रैप्स बनाते क्यों है? ट्रैप आप समझते हो क्या होता है शुभम? जंगल में ट्रैप क्या होता है? बनाते हो? ओके, तो आप मुझे बताओ ट्रैप में कोई जानवर जान के जाता है या चला जाता है? अच्छा
अच्छा अननोइंगली जाता है। आपने पहली लाइन पढ़ी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज पॉसिबल दैट इवन आफ्टर ऑल एफर्ट्स देयर रिमेन देयर मे बी यू नो सम प्रॉब्लम जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया हो। तो शायद कॉमन सेंस बात है कि कोई गलती से यू नो सोचा उसने सब कुछ सही, बट अरेंजमेंट सही से नहीं किया, जिस वजह से वो उस ट्रैप में फंस गया। दैट इज कॉल्ड यू दैट इज व्हाई यू कॉल्ड इट इज अ ट्रैप। लेकिन अगर फंस भी जाए तो पहचान हमने आपको बता दी, वन टू मैनी बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो डायरेक्शन चेंज करो। शुभम आपको बात समझ आ रही है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, मुझे लगता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। थोड़ा भेजा आपका खिसकेला है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं मेरे को नहीं पता। हर जगह मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, पता है पहला क्वेश्चन ही क्या पूछता है? इसका नाम ये क्यों है? हर जगह पहला क्वेश्चन इसका ये है, जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उसको छोड़ के प्रॉपर उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है, फिर वहां से पूछना शुरू करता है ना? आप इसको होंडा सिटी गिफ्ट करो, शुभम टेक होंडा सिटी। ये अपनी कंपनी को थैंक यू नहीं बोलेगा, बोलेगा इसका नाम होंडा सिटी क्यों रखा? कहता वापस कर, तू चल जाकर कुछ और कर। कहता इसका नाम होंडा, ये कोई शहर है, ये तो गाड़ी है, इसका नाम होंडा सिटी क्यों रखा बताओ? चलिए एक दूसरा ट्रैप है, दिस इज कॉल्ड चैज्म ट्रैप। पढ़ाते हुए मुझे डर लग रहा है, बताओ क्यों? एक तो बनाने वाला जिन्होंने नाम ऐसे ऐसे रख दिए, ये तुरंत पूछेगा मुझसे, कहते इसका नाम चैज्म क्यों है? अच्छा मजे की बात क्या है, दिस इज एंटायर यू नो सब्जेक्ट इटिमोलॉजी जो बोलते हैं ना, रूट्स जब आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी शब्द का। यस बहुत लोगों को शौक भी होता है, ये शब्द कहाँ से आया, इसका रूट क्या है, ग्रीक है, लैटिन है, संस्कृत है, क्या है? यस बट अगेन इफ यू गो इन टू डेप्थ देन इन द लास्ट यू कैन से ऑरिजन, बट कैन समबडी टेल वाई द ऑरिजन इज लाइक दिस? नो भाई, किसी चीज को कोई पहचान देनी थी तो दे दी ना, बस बात खत्म। द पॉइंट इज 99% ऑफ टाइम यू डोंट नो व्हाई यू कॉल। अब आप फॉर एग्जांपल इसको मैं पेन बोल रहा हूं, इसका नाम पेन है। अब इस चीज पे कोई बहस की जा सकती है, ये पेन ही क्यों है, व्हाई यू कॉल्ड इट अ पेन? नो, कई हजार साल से लोग बोलते आ रहे हैं, किसी के मुंह से पता नहीं पेन निकला होगा तो फिर लोग पेन बोलने लग गए, बस इतनी सी बात है। चलिए तो मैं चैज्म ट्रैप की बात कर रहा हूँ। चैज्म ट्रैप की क्या कहानी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है। शुभम आपको तो टीचर बनना है ना, अगर मुझे सही याद है तो। बेटा जो जिस बहू को उसकी सास बहुत परेशान करती है ना, वह ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देन वो अपनी बहू को और परेशान करती है, वो भी उसका रैगिंग करती है। लाइक जिस कॉलेज में जिस बच्चे का ज्यादा रैगिंग करता है सीनियर, वो जूनियर को और ज्यादा रैगिंग करता है। तो आप समझ लो, समझदार को इशारा काफी है। खैर क्या समझे इस बात से बताओ। एक दिन आप भी मेरी जगह बैठे हो गए, इज़न्ट इट? यू विल बिकम अ टीचर एजुकेटर वन डे। तब जब बच्चा पूछेगा ना बेटा, तब बताना इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, तब मुझे याद करना उस दिन।
चलिए एक कॉलेज का सिनेरियो लेते हैं, एक कॉलेज का सिनेरियो लेते हैं। एंड फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट इज देयर, एंड डिपार्टमेंट के अंदर वी मे हैव फैकल्टी एंड वी 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 मे हैव सम लैब्स इन द कॉलेज। फॉलो कर पा रहे हैं? अब यहां पर मैं डिग्री पे ध्यान नहीं दे रहा, यहां पर मैं कॉर्डिनेलिटी पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं आपसे बस टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन पूछना चाहता हूं। कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं? 1, 2, 3, 4। डिपार्टमेंट टू फैकल्टी, फैकल्टी टू डिपार्टमेंट, फैकल्टी टू लैब, लैब टू फैकल्टी। सोचो, अपना खोपड़ी खोलो और मुझे बताओ किधर किधर टोटल पार्टिसिपेशन आएगा, किधर किधर पार्शियल पार्टिसिपेशन आएगा, जस्ट विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड। बहुत ध्यान से सोचना। डिपार्टमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फैकल्टी। थिंक थिंक अबाउट इट फॉर 1 or 2 मिनट्स। थिंक एज अ ईआर डायग्राम डिजाइनर, क्योंकि ये कैसा रिलेशन या ऐसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि आपको भी पता है, आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो यू नो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। टोटल टोटल पार्शियल टोटल पार्शियल टोटल पार्शियल टोटल ऑल पार्शियल 3, 4 टोटल। चलो, बहुत कंफ्यूजन है, लेट मी गो वन बाय वन। डिपार्टमेंट टू फैकल्टी, और इसका मतलब डिपार्टमेंट का फैकल्टी से, क्या हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी होना जरूरी है? क्या हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी होना जरूरी है? अब देखिए, जो लोग टोटल बोल रहे हैं वो शायद अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गलत नहीं बोल रहे, बट इन रियलिटी यहां पर आएगा पार्शियल पार्टिसिपेशन। ऐसा क्यों? अगर आप बोलोगे टोटल पार्टि, आप सोच रहे हो कि सर कॉलेज कैसे चलेगा, जब डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं कॉलेज कैसे चलेगा, ये सोच अपन रहे। बट बेटा एक बात सोचो कि अगर आप यहां टोटल पार्टिसिपेशन लगा दिए, डू यू अंडरस्टैंड कि बिना फैकल्टी के डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा? हाँ, भगवान ना करे, चलो मान लीजिए कार्तिक से बोल रहा हड़ताल हो गई, कॉलेज के सारे फैकल्टी रिजाइन कर रहे हैं, कुछ लड़ाई होगी किसी बात पे, तो जैसे फैकल्टी का इन्फॉर्मेशन डिलीट होगा क्या ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आपने सब बनाया उसको। यस, ये मान लीजिए जुलाई अगस्त से 2 महीना पहले केमिकल इंजीनियरिंग का लाइसेंस मिल गया यूनिवर्सिटी ने, कहा आप केमिकल इंजीनियरिंग भी शुरू कर दो, बट आप बोल रहे हो कि जब तक उसके अंदर मैं फैकल्टी रिक्रूट नहीं कर लूंगा तब तक मैं डेटाबेस में यू नो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट भी नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रैक्टिकली इन मोस्ट ऑफ द सेंस यस इट मे बी द केस, बट इन रियलिटी एज अ डिजाइनर वी शुड कंसीडर दिस एज अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? नाउ लेट्स थिंक अबाउट यू नो फ्रॉम फैकल्टी टू डिपार्टमेंट, क्या हर फैकल्टी, स्वीपर डिपार्टमेंट में नो फैकल्टी, स्वीपर डिपार्टमेंट होता है,
है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झाड़ू ना इस खोपड़ी में भी लगाओ, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है अंदर, बाहर निकले तो कुछ अच्छी बात जाने की जगह बचेगी। स्वीपर डिपार्टमेंट। खैर नाउ, फैकल्टी टू डिपार्टमेंट जब मैं देखूंगा तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज इट नेसेसरी और शुड इट बी द केस कि हर फैकल्टी को किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होना ही पड़ेगा, या यू नो देयर मे बी सम फैकल्टी व्हिच डू नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, तो देयर मे बी डिफरेंट एग्जाम्पल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। मान लीजिए स्पोर्ट्स टीचर है, हालांकि मेरे को नहीं पता कि इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर या फिटनेस टीचर, योगा टीचर हो सकता है, हो सकता है। यू मे हैव सम यू नो सम फैकल्टीज हु आर इन टू योगा और एरोबिक्स और समथिंग लाइक दिस, हो सकते हैं, स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं, होते हैं, यस आई नो। अब आप मुझे बताओ, वो जो फैकल्टी है, मान लीजिए कोई योगा टीचर है, योगा टीचर है, क्या वो मैकेनिकल सीएस डिपार्टमेंट तो ये होंगे ना, क्या वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है? नहीं, फॉलो कर पा रहे हैं? अगेन उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे दे रहे हैं। कॉलेज का डायरेक्टर, कॉलेज का डायरेक्टर है, क्या कॉलेज के डायरेक्टर फैकल्टी होते हैं या वो कोई मैनेजमेंट पोस्ट है? कॉलेज के डायरेक्टर खुद फैकल्टी होते हैं और इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट? नो, वो फैकल्टी होते हैं, पढ़ाते भी हैं। देखिए, मैनेजमेंट करना एडिशनल ड्यूटी है, बट डायरेक्टर को, मेरे को पता नहीं आपके कॉलेज में क्या, किसी भी अच्छे कॉलेज में 2 घंटा पढ़ाना तो मैंडेटरी होता है। डेली 2 लेक्चर्स यू हैव टू टेक, अदरवाइज यू आर नॉट अ फैकल्टी एनी मोर। कंपल्सरी लोड है, 2 लेक्चर लेना ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्टर ही क्यों ना हो। यस, ओके। तो अगेन इस केस में भी, अब मान लीजिए अगर कोई सीएसआईटी के फैकल्टी है जो बाद में जाके डायरेक्टर बन गए कॉलेज के, बट स्टिल पढ़ाना तो पड़ेगा, बट क्या मैं बोल सकता हूँ वो किसी सीएस डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में नहीं, वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, बट हाँ फिर भी पढ़ा रहे हैं। ये रूल है, हाँ ऑब्वियसली रूल है। अगर आप एज अ फैकल्टी कॉलेज में जॉब करो तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े फैकल्टी कैसे बनोगे? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायरेक्टर होते हैं, जो बहुत सीनियर फैकल्टीज होते हैं, अब ये गलत वो चलता है, जितना सीनियर फैकल्टी होगा चाहिए उसको कि वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में क्लास ले कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लास ले, जितना सीनियर फैकल्टी है उसको फाइनल में नहीं, फाइनल तक पहुंचते कुछ बचता नहीं है बच्चे में, उसको फर्स्ट ईयर में क्लास लगाना चाहिए अपना, उसको सेकेंड ईयर में क्लास लगाना चाहिए। अब सोचिए आप आईडी दिल्ली में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, यार वहीं पे तो होता है, बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, एंड द डायरेक्टर इज टेकिंग द क्लास, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सोचिए, अगर कॉलेज का डायरेक्टर फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, क्या हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो और दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्शियल पार्टिसिपेशन? यस। अभी फैकल्टी टू लैब, इधर तो आसान है, क्या हर फैकल्टी को लैब लेना मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब यह उल्टा है, जो सीनियर फैकल्टीज होते हैं, आमतौर पे जो सीनियर फैकल्टीज होते हैं, मतलब फैकल्टी क्या दिन, मैनेजमेंट में स्विच करता है डीन बनने के बाद, शायद आप बोल रहे हैं। देखो एक बात आप समझो, मुझे पता नहीं आप लोग कॉन्टेक्स्ट इतना उसको यू नो टेंजेंट में क्यों चले जाते हो। मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी का संविधान पढ़ा रहा हूं, मैं यूजीसी हूं, मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सिटी कैसे बनाते हैं, मैं पागल हो क्या? फिर एक क्यों इस तरह के सवाल? मैं कॉलेज चला रहा हूं बैठ के, एक एग्जांपल रिलेट कर रहा हूं बेटा, बस ये एग्जांपल समझ लो, बात खत्म हो गई। अब फिर वही बात, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि डीन कैसे बनता है, हमारी प्रॉब्लम थी बस ये समझना कि पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। आपने मुझे डरा दिया, अगली बार मैं कोई और एग्जाम्पल लूंगा। हाँ, तो बार बार हम भूल जाते हैं, मैं याद करना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। चलिए इधर आइए,
फैकल्टी टू लैब जब हम जाएंगे तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो पार्शियल पार्टिसिपेशन और दिस शुड ऑल्सो भी पार्शियल पार्टिसिपेशन, किसी भी फैकल्टी के लिए मैंडेटरी तो नहीं हो सकता यू नो कि वो लैब ले. नाउ थिंक अबाउट लैब टू फैकल्टी, लैब टू फैकल्टी, क्या हर लैब के पास फैकल्टी होना जरूरी है? अब देखिए फिर वही बात, बहुत सारे लोगों ने इस पर टोटल आंसर किया है और एक तरीके से आप सोच रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं इजंट इट, फिर वही प्रॉब्लम है. अगर लैब सही तरीके से चलानी है तो फैकल्टी होना चाहिए, मैं मान रहा हूं उस बात को, बट अगर आप मुझे यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन बोल देंगे तो बेटा होगा क्या, होगा यह कि जिस दिन सारी फैकल्टी छोड़ के जाएगी मेरे लैब का इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा, या आई कैन नॉट हैव अ लैब अनटिल एंड अनलेस मैं उसमें फैकल्टी एलोकेट ना कर दूं. तो लैब इज इंडिपेंडेंट आइडिया जो जो यू नो एग्जिस्ट कर सकता है, उसके लिए फैकल्टी होना ना होना अलग बात है. यस, स्कीमा बचाना है ना अपने को. तब आप मुझे बताओ आर यू गेटिंग द फैक्ट दैट ऑल ऑफ द यू नो आइडियाज यहां पे पार्शियल होंगे? अच्छा, लेकिन अब एक और पॉइंट मुझे आपसे पूछना है. कैन इट बी पॉसिबल दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड लैब? यस, अगेन मैं पूछूंगा क्या हर डिपार्टमेंट में लैब होना जरूरी है? नो नो, बट क्या हर लैब का डिपार्टमेंट होना जरूरी है? क्या थ्योरेटिकली सही, स्कीमा वाइज ही सही, क्या कोई ऐसा लैब हो सकता है जिसका डिपार्टमेंट ही ना हो? ऐसा लैब कैसे बनेगा? तो फॉर अ सरप्राइज हियर मस्ट वी मस्ट हैव अ टोटल पार्टिसिपेशन. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अब आप एक बात बताइए, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है मैंने बाद में बनाया, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने सिर्फ इतना ही आइडिया बनाया और उसने इस बात को समझा ही नहीं कि लैब और डिपार्टमेंट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता था. इस तरह के आइडिया को हम बोलते हैं चैज्म ट्रैप. व्हाट इज चैज्म ट्रैप? जहां पर दो ऐसे एंटिटी सेट जो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते थे, हम उनको वाया थर्ड एंटिटी सेट कनेक्ट करें एंड दे हैव टोटल पार्टिसिपेशन एटलीस्ट फ्रॉम वन साइड, बट आप उसको पार्शियल से कनेक्ट कर दो. अब इस स्कीमा में प्रॉब्लम क्या है? लैब और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप किससे होके गुजर रहा है? फैकल्टी से. अगर फैकल्टी बीच से निकल गया तो ये डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, लैब अलग हो जाएगा, तो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करना रहेगा. नाउ व्हाट इज इन चैज्म ट्रैप? जब आपने कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं किया हो, इसको रिजोल्व कैसे करोगे? सॉरी, उसको रिजोल्व कैसे करोगे? आप उठा के उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो. इफ यू डू दैट तो प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व हो जाएगी. क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, सो अगेन इस बात को समझिएगा. हाउ टू फाइंड द प्रॉब्लम? यू हैव टू फिगर इट आउट लाइक वन बाय वन कि क्या कोई भी दो ऐसे एंटिटी सेट, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोशिश करना पड़ेगा. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. आपको एक बार सोचना पड़ सकता है क्या कोर्स का टेक्स्ट बुक से कोई डायरेक्ट लेना देना है क्या? समथिंग लाइक दिस. उस तरह से जब एनालाइज करोगे तो मे बी आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि शायद कोई रिलेशनशिप जो डायरेक्ट एग्जिस्ट हो सकता था या वहां पर है, हम उसको काइंड ऑफ मिस कर रहे हैं. रिलेट कर पा रहे? लुक एट दिस. ओके, तो अब एक बात समझना है आपको. अब एक बात समझना है. डू यू अंडरस्टैंड इन कंक्लूजन दैट क्यों स्पेशली डेटाबेसिस में ईआर डायग्राम इतने पॉपुलर है? और एक बात और समझो, हर टॉपिक एक लेवल तक आसान होता है. अगर आप यू नो काइंड ऑफ होमवर्क एक असाइनमेंट करना चाहो, इमेजिन करो कोई भी एक कंपनी बताओ जिसको आप यूज कर, आजकल के कोई अच्छे बड़े स्टार्टअप का नाम बताओ. थिंक अबाउट, चलो लेट्स थिंक अबाउट, अब अपन अनअकैडमी की बात करते हैं जिससे हर स्टूडेंट का डायरेक्टली लेना देना है.
इफ आई गिव एन असाइनमेंट ट्राई टू ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर अन एकेडमी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, बट देर इज अ स्टूडेंट, देर इज अ एजुकेटर, देर इज अ कोर्स, देर इज प्लस सब्सक्रिप्शन, देर इज अ स्पेशल क्लास, देर इज बैच, देर इज रिकॉर्डिंग, देर इज टेस्ट और न जाने क्या क्या, देर इज आइकॉनिक, देर इज द ड्यूरेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन, पोल, क्लास के अपने फीचर्स हैं, शेड्यूल, रीशेड्यूल, मैसेजिंग। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये ईआर डायग्राम कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है, हाल खराब हो जाए बनाने में। बट डू यू अंडरस्टैंड कि किसी ने बनाया होगा, एंड डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम पे सब कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा करोगे तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो आप एक बेसिक ईआर डायग्राम बनाओ, फिर देखो इसमें क्या छूट गया, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट करें, फिर उसको इंप्रूव करो, फिर उसको इंप्रूव करो, एंड विद इटरेशंस आफ्टर इटरेशंस आफ्टर इटरेशंस। क्या इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है? जी हाँ, इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। पहला दिन कोई सब कुछ नहीं कर सकता, आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे, तो इटरेशन बाय इटरेशन। नो, नॉट वाटरफॉल, वाटरफॉल डजंट वर्क इन दिस केस, वाटरफॉल डजंट वर्क, क्योंकि वाटरफॉल डू नॉट सपोर्ट इटरेशन, इजंट इट? Not even in industry. Nobody use waterfall in industry. Who told you waterfall use करता है कोई? फिर वही देखो, फिर गंदगी फैला दी। मेरे यार अपने पड़ोसी को अपने पापा पे ज्ञान फैलना, मुझे क्यों बता रहा? मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। स्पाइरल, प्रोटोटाइप, जो चार पांच वर्ड थे याद थे वही फैल दिए। अभी पूछने लगूंगा ना हाल खराब हो जाएगा। मुझ पे मत फैला करो ज्ञान, कहीं और फैला करो जाके। दो तीन शब्द बोल दिए, अच्छा यही जाके इंटरव्यू बोलना, फिर कहोगे सर जॉब नहीं मिला। खैर, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बोल रहा था कि बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड कि अगर अच्छा ईआर डायग्राम बना हो, अच्छा ईआर डायग्राम बना हो, तो क्या काम करना मुश्किल है? ईआर डायग्राम बनाना या उसको कन्वर्ट करना? बनाना। एंड डू यू अंडरस्टैंड कि बेटा ईआर डायग्राम बनाने में अगर थोड़ी सी भी गलती करी बाद में, तो वो जाके पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी लेटर स्टेजेस में। यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू टेक मल्टीपल इटरेशंस, यू कैन टेक मल्टीपल एडवाइजेस। इसमें बहुत, अभी लंबी कहानी है तो मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, बट आप ईआर डायग्राम बनाओगे, उसमें कस्टमर के भी स्टेक होल्डर रखोगे, खुद भी रिव्यू करोगे, कोई थर्ड पार्टी से रिव्यू कराओगे, जब वी आर वेरी मच श्योर कि हाँ यार यही करना है, तब अपन आगे बढ़ते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ईआर डायग्राम बनाना ऑटोमेट नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हैं। हाउ कैन डिजाइनिंग बी ऑटोमेटेड? डोंट यू हैव, डू यू हैव एनी आइडिया? आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, किसी पर्टिकुलर कस्टमर का जो प्रॉब्लम है, उस डिजाइनिंग को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है? एआई से किया जा सकता, कर लो, आप करो, कर लो एआई से। ये वही लोग हैं जो रात को 12 बजे 2 बजे के बाद यूट्यूब देखते हैं, बीच में ऐड आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा साइंस, कंप्यूटिंग, फला डिमका, कर लो तो। और उसको, उस एआई को एक ड्रोन के ऊपर लगाना, बिकॉज आजकल चीजों में इतना चल रहा, बिना ड्रोन के कहानी पूरी नहीं होती। उस एआई को एक ड्रोन के ऊपर लगाना, उसमें एथिकल हैकिंग लगाना, उसमें डेटा साइंस लगाना, तब हो जाएगा वो। गुड, ग्रेट, करो करो करो। अब भाई एक बात समझो, अगली जो स्लाइड है वो मैंने यहाँ पे एड कर दी है, दैट इज एंटायर फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड ऑल, और एक एक पॉइंट बहुत डिटेल से, बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं, फॉरेन कीज यहाँ पर कैसे काम करते हैं, उसके बाद हाउ यू आइडेंटिफाई फॉरेन कीज इन द रियल वर्ल्ड, चंकी पांडे डिपेंडेंसीज क्या होते हैं,
और इस तरह के अलग अलग जितने वेरिएशंस थे वो मैंने बताया है, आर्मस्ट्रांग रूल्स क्या है, ऑल दिस थिंग। तो इस पे आपको होमवर्क करना है और ईआर डायग्राम और ट्रांजैक्शन ये सब काम करके आना है। जब ये सब काम करके आओगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अभी आपका प्रॉब्लम इतना है, आप एफर्ट करोगे आपका प्रॉब्लम इतना रह जाएगा बस। यस हाँ, आज एक स्पेशल क्लास है अगेन ऑन एन एकेडमी फ्लक्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एआई से डिजाइन करेंगे ईआर डायग्राम। ओके, यू कैन टेक दिस लिंक। आपको ट्रांजैक्शन में ईआर डायग्राम में अगर कोई कंफ्यूजन है देन आल्सो यू कैन कम टू दिस क्लास। कोई काउंसलिंग रिलेटेड कंफ्यूजन है देन आल्सो यू कैन कम टू दिस क्लास। यस होगा ना, बहुत लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। एआई में कंफ्यूजन है, यू कैन सिट इन दिस ट्रक एंड देन यू कैन गो टू एनीवेयर। मेरे पास मत आना, इस ट्रक में बैठ के भाग जाओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ऑलरेडी इज 9:03, सो विल मीट एट 9:30 अगेन। बाय बाय।